महारानी सुनीति की जय हो। महाराज उत्तानपाद दिग्विजय से लौटकर आ गए हैं। महारानी चलकर उनका स्वागत नहीं करेंगी? मैं वहां जाकर क्या करूंगी? उनका स्वागत करने के लिए तो पहले से वहां कोई उपस्थित है। क्षमा करें महारानी, पर आप बड़ी रानी हैं, पटरानी हैं। महाराज के स्वागत का अधिकार तो आप ही को प्राप्त है। अपने स्वागत का अधिकार, देने न देने का अधिकार तो महाराज के हाथों में है, और महाराज ये अधिकार आप किसी और को दे चुके हैं। आप यही है बातें, पिताश्री के स्वागत को नहीं गई? नहीं पुत्र, मैं नहीं गई। फिर मैं जाऊंगा पिताश्री का स्वागत करने। तुम भी ना जाओ पुत्र। क्यों बातें? मैं नहीं चाहती कि इतनी कम आयु में तुम पीड़ा और दुख जैसे शब्दों का अर्थ जान लो। तुम्हारे कोमल मन को तनिक भी ठेस लगी ना, तुम्हें सहन नहीं कर पाऊंगी। मैं समझा नहीं माताश्री। अभी छोटे हो ना, बहुत सी बातें तुम्हें समझ नहीं आएंगी। पर माताश्री, मैं उसे मिलने को व्याकुल हो रहा हूँ। इतने दिनों बाद तो लौटे हैं पिताश्री। जहाँ इतने दिन राह देखी है, थोड़ी देर और प्रतीक्षा नहीं कर सकते? वो यहीं आएंगे। एक बात पूछूं माते? अवश्य पूछो। क्या वृक्ष की छाया वृक्ष से दूर रह सकती है? कदापि नहीं। तो फिर पुत्र अपने पिता से कैसे दूर रह सकता है? पिता के प्रेम पर पुत्र का जन्मसिद्ध अधिकार है। सारा झगड़ा ही तो अधिकारों का है पुत्र ध्रुव। अधिकारों का है। महारानी, ये उचित नहीं है। क्या उचित नहीं है? महाराज के स्वागत का प्रथम अधिकार बड़ी रानी को प्राप्त होता है। किंतु ये अधिकार महाराज ने बड़ी रानी से लेकर हमें दे दिया है। क्या अंतर पड़ता है गुरुदेव? दोनों ही हमारी रानियां हैं, और दोनों में से कोई भी हमारा स्वागत कर सकती है। राजा प्रजा का आदर्श होता है महाराज। राजा जो कार्य करता है, प्रजा उसी का अनुकरण करती है। राजा मार्गदर्शक होता है, समाज उसके पीछे चलता है। उचित अनुचित की परिभाषा भी राजा ही बनाता है। यथा राजा तथा प्रजा। आज जो कार्य हो रहा है, उससे समाज के बड़ों के आदर की परंपरा संकट में आ सकती है। और जब छोटे बड़ों का सम्मान करना छोड़ देंगे तो समाज में उथल पुथल मच जाएगी, और जब समाज में उथल पुथल हो तो राज्य की स्थिरता डगमगा जाती है। यदि महाराज परंपराओं को तोड़ना चाहते हैं तो आपको क्या आपत्ति है गुरुदेव? परंपराएं हमारे आदरणीय पूर्वजों ने बनाई हैं, उन्हें तोड़ने का किसी को अधिकार नहीं है। तो फिर महाराज का क्या निर्णय है? हमारा निर्णय यह है कि महारानी सरुचि ही हमारा स्वागत करेंगी। यदि आपका यह निर्णय है तो फिर किसी का भी उपदेश मुझे रोक नहीं सकता। पति का आदेश मानना ही पत्नी का धर्म है, और ये धर्म मैं निभा कर ही रहूंगी।
ठहरिए राजकुमार ध्रुव, आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता? मुझे पिता महाराज से मिलना है। महाराज का आदेश है कि अंदर किसी को न आने दिया जाए। मैं राजकुमार हूँ और मेरा आदेश है कि मुझे अंदर जाने दिया जाए। सूर्य के प्रकाश को धरती पर पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता। पिता और पुत्र के बीच में कोई नहीं आ सकता। हम महाराज के आदेश की अनदेखी नहीं कर सकते। और राजकुमार के आदेश की अनदेखी कर सकते हो? यदि हमने आपको जाने दिया तो महाराज हमें दंड देंगे। अगर तुमने मुझे रोका तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। महाराज के डर से तुमको मैं बचाऊंगा, परंतु मेरे डर से तुमको कोई नहीं बचा सकता। पिताश्री, पिताश्री, पिताश्री। आप इतना बदल गए पिताश्री, विश्वास ही नहीं होता। मैं तो आपका बड़ा लाडला पिता था, कितना प्यार करते थे आप मुझसे, और आज आपके सामने मुझे दिखाया गया और आप चुप रहे। जब आप मुझसे लौटते थे तो सीधा माताश्री के पास जाते थे। आपकी बार आप मुझसे मिलने भी नहीं गए, ऐसा क्यों है पिताश्री? महाराज से क्या पूछता है, जाकर अपनी माता से पूछ कि महाराज अब उसके पास क्यों नहीं आते। आप भी तो माता है, आप भी बता दीजिए ना। मैं तो तेरी छोटी माता हूँ। माता छोटी बड़ी नहीं होती, माता तो बस माता होती है। आप स्वयं को छोटी क्यों कहती है? तो सुन, तेरी माता के दिन बीत गए, महाराज को अब उस भिखारन में कोई रुचि नहीं है। मेरी माता भिखारन नहीं है, वो राजभवन की महारानी है। महारानी थी वो, अब नहीं है महारानी। महाराज ने वो स्थान उससे छीन कर मुझे दे दिया है, और जो स्थान तेरा था वो अब मेरे पुत्र उत्तम का है, समझा? उत्तम मेरा छोटा भाई है, उसे जितना भी मिले मुझे उतना ही हर्ष होगा। मैं और कुछ नहीं चाहता, बस पिताश्री का प्यार चाहता हूँ और उनकी गोद में बैठना चाहता हूँ। गोद में बैठने की इतनी इच्छा थी तो तुझे मेरी कोख से जन्म लेना चाहिए था। पर इसमें तो मेरा कोई दोष नहीं माते। दोष तेरा नहीं, तेरी माता का है। पिताश्री, महाराज तेरी कोई सहायता नहीं कर सकते, अब तो भगवान ही तुझे महाराज की गोद में बिठा सकते हैं। जा, जाकर भगवान विष्णु की तपस्या कर और उनसे प्रार्थना कर कि अगले जन्म में तुझे मेरी कोख से जन्म दे और महाराज के गोद में बैठने के योग्य बनाए। इसीलिए मैं तुझे वहां जाने से रोक रही थी। मैं जानती थी कि तू महाराज से मिलने जाएगा तो दुख लेकर ही लौटेगा। रानी सुरुचि के मन में हमारे लिए जलन और घृणा के सिवा और कुछ नहीं। छोटी मारे चुकिया, मुझे इसका दुख नहीं है माँ। दुख तो इस बात का है कि पिताश्री भी बस चुप रहे, उन्होंने छोटी माँ को रोका तक नहीं। वो केवल मुझे भूल गए होते तो मुझे इतना दुख नहीं होता। दुख तो इस बात का है कि वो अपने पिता के धर्म का पालन नहीं कर पा रहे। पिता और पुत्र के बीच में आने वाली वो कौन होती है? आप तो कहती थी कि पिता के प्रेम पर पुत्र का जन्मसिद्ध अधिकार होता है। होता है पुत्र, अवश्य होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सूरज की धूप पर धरती का अधिकार होता है, किंतु कभी कभी काली घटा यूं सूरज की धूप और धरती के बीच आ जाती है जिससे सूरज की धूप धरती तक नहीं पहुंच पाती। रानी सुरुचि भी वो काली घटा है जिसने पिता के प्रेम को पुत्र तक पहुंचने से रोक रखा है। मैं तो उनका बहुत आदर करता था, पर उन्होंने आपको बेकारन कहा तो मुझे बहुत बुरा लगा। आश्चर्य तो ये है कि पिताश्री भी इस पर भी कुछ नहीं बोले। भूल जाओ पुत्र, भूल जाओ इन बातों को। कुछ विष स्वाद में मीठे होते हैं, किंतु होते तो विष है ना।
महाराज पर भी ये भेद एक दिन अवश्य खुल जाएगा कि रानी सुरुचि एक मधुर विष है। मैं भगवान विष्णु से प्रार्थना करती हूँ कि महाराज की आंखें खुल जाएं। भगवान विष्णु, छोटी भाभी यही नाम ले रही थी कि मुझे पिताश्री के गोद में बैठने का अधिकार अब भगवान विष्णु ही दिला सकते हैं। हाँ पुत्र, महाराज की गोद तो क्या, वो अपनी गोद में बैठने का भी अधिकार दिला सकते हैं। वो महाराजाओं के महाराज है, सम्राटों के सम्राट है, परम बलवान सर्वशक्तिमान है। पुत्र, तुम देखोगे वो कैसे लगते हैं। हाँ आओ आओ। प्रणाम करो बेटा, ये है हमारे विष्णु भगवान, लक्ष्मीपति नारायण, जिनकी मैं नित दिन पूजा करती हूँ। मैं भगवान विष्णु के पास जाऊँ कब आते? चले जाना पुत्र, अभी तुम छोटे हो, बड़े हो जाने के बाद अवश्य चले जाना उनके पास, वो सब ठीक कर देंगे। रात्रि हो गई है, चलो चल के सो जाते हैं। सब विष्णु भगवान पे छोड़ दो, वो सब ठीक कर देंगे। चलें, चलो। कहाँ चले महाराज? अभी तक हम महारानी सुनीति से नहीं मिले, वो हमारी राह देख रही होंगी। जानती थी मैं, जानती थी कि आपकी सारी बातें झूठी है, आपका प्यार भी एक दिखावा है। कौन सी बातें झूठी थी? यही कि सुरुचि तुम्हारे पास आकर मैं सारे संसार को भूल जाता हूँ। सब झूठ, संसार तो क्या, आप एक नारी को नहीं भूल पाए, रह रहकर उसका प्रेम आपके मन को बांध लेता है। मुझसे तो बस चार घड़ी का ही प्रेम है आपको। यह बात नहीं है सरुचि, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हम तुम्हें कितना प्रेम करते हैं। प्रेम ना करते होते तो महारानी सुनीति का अधिकार तुम्हें क्यों देते? परंतु इस राजमहल में कुछ तो अस्तित्व है उसका, और फिर ध्रुव के साथ भी। क्या हुआ ध्रुव के साथ? मैंने तो कुछ नहीं किया, बस उसे बता दिया कि अब उसका और उसकी माता का क्या स्थान है, और यह स्थान आपने मुझे और मेरे पुत्र को स्वयं अपनी इच्छा से और मन से दिया है। तो फिर क्या हुआ जो मैंने बता दिया? क्या मैंने झूठ बोला था? नहीं, झूठ नहीं बोला था, जो भी कहा सत्य ही कहा था। परंतु यह आवश्यक तो नहीं कि सत्य कठोरता से ही कहा जाए, सत्य कोमल और सहज ढंग से भी बोला जा सकता है। सरुचि, ध्रुव एक बच्चा है, उसके प्रति इतनी कठोरता? आप बातें मत बनाइए, खुलकर कहिए ना कि अब पहली पत्नी और उसके पुत्र कम हो आपसे दबाए नहीं दबराए, उनसे मिलने उनके पास जाने की इच्छा आपके मन में अंगड़ाइयां ले रही है, और सुनीति से दूरी अब आपसे सहन नहीं हो पा रही, तो जाइए, तुरंत जाइए ना। मेरे भाग्य में तो अकेले रहना ही लिखा है, अब मैं आपको नहीं रोकूंगी, जाइए जाइए। और मैं हूं भी कौन आपको रोकने वाली? अरे ये क्या, आप तो अकारण रोने लगी। अकारण? जो हर पल आपके पास रहना चाहती हो उसे छोड़कर आप जाएंगे तो रोना नहीं आएगा। अच्छा चलो, आप जीती हम हारे, अब आपको छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे।
महाराज तेरी कोई सहायता नहीं कर सकते। अब तो भगवान ही तुझे महाराज की गोद में बिठा सकते हैं। जा, जाकर भगवान विष्णु की तपस्या कर और उनसे प्रार्थना कर कि अगले जन्म में तुझे मेरी कोख से जन्म दे और महाराज के गोद में बैठने के योग्य बनाए। राजाओं के महाराज है, सम्राटों के सम्राट है, परम बलवान सर्वशक्तिमान है। तुम देखोगे वो कैसे लगते हैं। ये है हमारे विष्णु भगवान, लक्ष्मीपति नारायण, जिनकी मैं नित दिन पूजा करती। महाराज की गोद तो क्या, वो अपनी गोद में बैठने का भी अधिकार दिला सकते हैं। हे विष्णु भगवान, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, मगर मुझे ये तो पता नहीं कि तुम कहाँ रहते हो। मगर तुम जहाँ भी रहते हो, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। मेरी बस एक विनती है, मेरी माता नित दिन तुम्हारी पूजा करती है, मेरे जाने के बाद उसका ध्यान रखना। हम दोनों एक दूसरे से कभी अलग नहीं हुए, वो मुझे पास ना पाएगी तो व्याकुल हो जाएगी। उसकी ढाढ़स बंधाना प्रभु, उसे रोने मत देना। मैं तुम्हें सोता छोड़कर जा रहा हूँ, क्षमा कर देना मुझे। तुम जागती होती तो मुझे कभी ना जाने देती, पर देखो मुझे न पाकर व्याकुल मत होना। मैं भगवान विष्णु को ढूंढने जा रहा हूँ, वही तुम्हारा खोया हुआ स्थान दिलाएंगे और मुझे भी। मैंने भगवान विष्णु की मूर्ति से कह दिया है कि वो तुम्हारा ध्यान रखे। मुझे विदा दो माते, मुझे विदा दो। ऐसा कब तक चलेगा दलनायक जी? क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ, अरे इतने दिन हो गए कोई भी यजमान हाथ नहीं आया। अगर यही दशा रही तो हम सब भूखे मर जाएंगे। बात तो तुमने ठीक कही है मित्र, पर क्या किया जाए। लगता है यात्री ये मार्ग ही भूल गए हैं। इतने लोगों को लूटा है हमने कि लोगों ने इधर से आना जाना ही छोड़ दिया है। अरे वो देखो, अरे शिकार आ गया। वन देवता ने सुन ली हमारी। कोई बालक है, कोई भी हो लगता धनी है। सारा शरीर गहनों से ढका है, गहने छीनकर ठिकाने लगा देंगे। गहने छीनने तक तो ठीक है, पर इतने छोटे बालक को मारना। पति मारी गई है तुम्हारी, यदि कोई राजकुमार हुआ तो। इसे छोड़ दिया तो जाकर राजा की सेना ले आएगा और हम सब चुन चुन कर मार दिए जाएंगे। चलो। हम डाकू हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? तुम्हारे आभूषण, अपने आभूषण उतार कर हमें दे दो।
ले लीजिए, केवल मुझे एक बात बता दीजिए। क्या बात? मैं अपने सारे आभूषण आपको दे दूंगा, मुझे बस ये बता दीजिए कि भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं। भगवान विष्णु? हाँ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। आपको तो पता होगा कि वो कहाँ रहते हैं। हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, हम तुम्हें जरूर उनके पास ले चलेंगे, पर पहले अपने ये आभूषण हमें दे दो। आओ हमारे साथ। यहाँ से तुम सीधा विष्णु के पास पहुंच जाओगे। मार डालो। सांप को ढूंढो, उस बालक को भी ढूंढो। वो देखो, सांप को ढूंढो, उस बालक को भी ढूंढो। Oh,
पुत्र। आप कौन है माता? तुमने तो माता कहकर स्वयं ही बता दिया कि मैं कौन हूँ। अब मैं क्या बताऊँ, समझ लो तुम्हारी माता ही हूँ। इन लोगों को क्या हुआ? इनको इनके किए का दंड मिल गया। ये लुटेरे थे और तुम्हें मार डालना चाहते थे। परंतु ये बताओ, इतनी रात्रि को तुम अकेले कहाँ जा रहे थे? मैं भगवान विष्णु से मिलने जा रहा हूँ। मेरी मानो तो तुम घर लौट जाओ, अभी तुम बहुत छोटे हो। मैं उनसे मिले बिना घर नहीं जाऊँगा। अच्छा, अब रात्रि बहुत बीत चुकी है, भोर होते ही ढूंढ लेना अपने भगवान विष्णु को। आपको पता है कि भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं? मुझे उनसे मिलने का मार्ग बता दीजिए तो आपकी बहुत कृपा होगी। मेरे वश में होता तो मैं ले जाकर तुम्हें उनकी गोद में ही बिठाती, किंतु मैं विवश हूँ। सुनो पुत्र, तुम थक गए होगे, तनिक विश्राम कर लो। विश्राम तो मैं अपने भगवान विष्णु से मिलने के पश्चात ही करूँगा। बड़े हठी हो तुम। कक्ष के बाहर निकलते ही नहीं देखा। तो जाओ, जाओ जाके उसे लेकर आओ। मेरा हृदय व्याकुल हो जा रहा है। जाओ, जाओ। महाराज ध्रुव को अवश्य ढूंढ निकालेंगे। हाँ, मुझे महाराज के पास जाना चाहिए। मुझे महाराज के पास जाना चाहिए। क्षमा करें महारानी, किंतु आप महाराज से ना मिले तो अच्छा है। ना मिलूं उनसे? क्यों ना मिलूं उनसे? पता नहीं वो आपसे मिले भी या ना मिले। रानी सुरुचि भी उनके पास उनके कक्ष में है। रानी सुरुचि ने आपसे ना मिलने दिया तो आपको दुख होगा। संतान के खो जाने से बड़ा दुख और क्या हो सकता है? इससे बड़ा दुख मुझे और कोई क्या दे सकता है? महाराज ध्रुव के पिता हैं, मुझे उनसे मिलना ही चाहिए। महाराज, महाराज। महारानी सुनीति, क्या बात है, क्या हुआ? महाराज, हमारा पुत्र ध्रुव। क्या हुआ पुत्र ध्रुव को? बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। न जाने कहाँ चला गया हमारे पुत्र।
न जाने कहाँ चला गया ध्रुव। चला गया कहाँ? चला गया कहाँ? चला गया होगा, अरे यही कहीं राजभवन में खेल रहा होगा। दासी ने राजभवन का कोना कोना छान मारा है, उसका कहीं पता नहीं चला। महाराज आप उसे ढूंढ निकालिए, नहीं तो मैं रो रो के अपने प्राण दे दूंगी। महारानी, महाराज उसे कहाँ ढूंढेंगे? आपका पुत्र आपके पास था, महाराज को क्या पता कि वो कहाँ होगा। महाराज मेरा सब कुछ छीन लीजिए, किंतु मेरे लाल मुझे लौटा दीजिए। एक उसी का तो सहारा था मुझे, उसी का मुख तो देख देख के जीती थी मैं। धीरज रखिए महारानी सुनीति। कैसे धीरज रखूं? कैसे धीरज रखूं? उसने कहा था कि वो भगवान विष्णु से मिलना चाहता है। मैं समझी कि वो बचपन में कह रहा है। भगवान विष्णु से मिलने? हाँ, आपसे मिलने के पश्चात वो बहुत उदास हो गया था, न जाने कहाँ भटक रहा होगा वो। अगर वो मुझे नहीं मिला ना, तो मैं आपको कभी भी क्षमा नहीं करूंगी। मैं आपको कभी भी क्षमा नहीं करूंगी। मैं आपको कभी भी क्षमा नहीं करूंगी। महारानी सुनीति, महारानी सुनीति, महारानी सुनीति, महारानी सुनीति मूर्छित हो गई है, जल्दी से जल लेकर आइए। आपको दिखाने के लिए ढोंग कर रही है, ये सब आडंबर है। महारानी सुनीति, महारानी सुनीति, दासी जल्दी से जल लेकर आओ। महारानी सुनीति, महारानी सुनीति, महारानी सुनीति, ध्रुव, पुत्र ध्रुव। रोइए नहीं महारानी, रोइए नहीं। वो भगवान विष्णु से मिलने का हट कर रहा था, मुझे क्या पता था कि वो स्वयं ही चला जाएगा। घबराइए नहीं महारानी, वो चला भी गया है तो बहुत दूर तक नहीं गया होगा। आप अपने कक्ष में जाइए, मैं तुरंत ही अपने सैनिकों को ध्रुव को ढूंढने के लिए भेजता हूँ। सैनिकों को भेजोगे? स्वयं नहीं जाओगे अपने पुत्र को ढूंढने? पिताश्री आप, पर तुम कैसे जाओगे? जो स्वयं मोह की राहों में भटक रहा हो वो किसी को क्या ढूंढेगा? पिताश्री, हाथ मत लगाओ मेरे चरणों को, तुम इस योग्य नहीं हो। तुम तो इस योग्य भी नहीं हो कि मैं तुम्हें अपना पुत्र कहकर पुकारूं। उस मनु का पुत्र जिसने आचरण के आदर्श बनाए, जिसने राजधर्म को जन्म दिया, उसकी संतान का ऐसा पतन, धिकार है तुम पर। जिसके नाम पर धरतीवासी स्वयं को मानव कहकर धन्य होते हैं। मैं तो राजकाज और परिवार का भार तुम्हारे हाथ सौंपकर संतुष्ट हुआ था, पर कदाचित ये मेरी भूल थी, तुम इसके योग्य नहीं थे। परंतु पिताश्री, मैंने राजकाज का कार्य संभालने में कोई भूल नहीं की, मेरी प्रजा मुझसे प्रसन्न है। तुम्हारी प्रजा तुमसे प्रसन्न है? और ये नारी, क्या ये तुम्हारी प्रजा नहीं? केवल इसलिए कि इसने तुम्हारी पत्नी बनना स्वीकार कर लिया, क्या ये न्याय के उन अधिकारों से वंचित हो गई जो प्रजा को प्राप्त होते हैं? क्या ये तुमसे प्रसन्न है? क्या अपराध किया था इसने जो इस गुणवंती के अधिकार छीन कर तुमने उस गुणहीन को दे दिए? क्या तुम्हारा पुत्र तुम्हारी प्रजा नहीं है, जिसका अपमान देखकर भी तुम चुप रहे, और केवल आज तुम्हारे कारण वो अनजानी राहों में भटक रहा है? मुझसे भूल हो गई पिताश्री। भूल? भूल मान लेने से भूल के दुष्परिणामों का अंत नहीं होता, भूल सुधार चाहती है।
लेकिन उसकी सारी संभावनाएं तुमने समाप्त कर दी हैं। पुत्र ध्रुव तुम्हारा घर छोड़कर जा चुका है, तुम्हारे परिवार में असंतोष है, और जो परिवार को संतुष्ट नहीं कर सका वो असंख्य प्रजा को क्या संतुष्ट करेगा। जिससे एक छोटा सा परिवार ना संभाला गया वो इतने बड़े राज्य को क्या संभालेगा। धिक्कार है तुम पर, सारा विश्व जीतकर भी एक नारी की सुंदरता से पराजित हो गए। मैंने संपूर्ण राज्य की बागडोर तुम्हारे हाथ सौंपी थी, परंतु तुमने वो बागडोर अपनी दूसरी पत्नी को सौंप दी और कठपुतली की भांति उसकी उंगलियों के संकेत के दास बने बैठे हो। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताश्री। क्षमा? प्रजा अपराध करे तो उसे क्षमा किया जा सकता है, परंतु राजा अपराध करे तो उसे क्षमा नहीं किया जा सकता। राजा का अपराध अपराध नहीं पाप होता है, और पाप के लिए क्षमा नहीं प्रायश्चित के दंड की आवश्यकता होती है, और राजा को यह दंड वो स्वयं ही दे सकता है। क्षमा याचना करो अपनी पत्नी सुनीति से, जिसके साथ अन्याय किया है तुमने, घोर अन्याय, जिस मनु की तपस्या महाप्रलय ने भी भंग नहीं की। तुमने अपने परिवार के साथ अन्याय करके वो तपस्या भंग कर दी और मुझे यहां आने पर विवश कर दिया। याद रखो तानपाद, यदि पुत्र वियोग में मेरी पुत्र वधु को कुछ हो गया तो तुम मेरे शाप से नहीं बच पाओगे। पिताश्री सुनिए तो सही। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। पिताश्री, पिताश्री मुझे तक कड़ा डंडा दीजिए पिताश्री। आपने सत्य ही कहा पिताश्री, मैं ना तो अच्छा राजा बन सका, ना अच्छा पति और ना ही अच्छा पिता। मुझे दंड मिलना ही चाहिए, और यह भी सत्य है कि राजा को दंड स्वयं राजा ही दे सकता है। नहीं स्वामी, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़ दो, मुझे मर जाने दो। मेरे अपराध का यही दंड है, यही मेरा प्रायश्चित है। नहीं, पाप अपराध का प्रायश्चित नहीं होता, आत्महत्या पाप है, और मैं आपको एक कदापि नहीं करने दूंगी। क्यों रोका मुझे, मुझे मर क्यों नहीं जाने दिया, क्यों रोका मुझे? मेरी आंखों से बहने वाले पुत्र वियोग के अश्रुओं को तो आप पोंछ ना सके, मेरी मां का सिंदूर पोंछ देना चाहते थे, गोद सूनी हो गई, मांग भी सूनी कर देना चाहते थे। पुत्र के लौटने की तो मैं प्रतीक्षा कर सकती हूँ, आपको कुछ हो जाए तो मैं क्या करूंगी? तो फिर मैं क्या करूं? मुझ में तो इतनी शक्ति भी नहीं है कि तुमसे एक क्षमा याचना कर सकूं। ऐसा ना कहिए महाराज। जब ऐसा ही है तो ऐसा क्यों ना कहूं? दोष तो मेरा ही था, और दंड तुम भोग रही हो। पिताश्री ने आकर मेरी आंखें खोल दी, पर दुख तो इस बात का है कि आंखें तब खुली जब समय बीत चुका था, वर्षा तब हुई जब खेती सूख चुकी थी।
अब भी समय है महाराज, पुत्र ध्रुव अभी दूर तक नहीं गया होगा। तो फिर ठीक है, मैं स्वयं जाऊंगा अपने पुत्र की खोज में। मैं स्वयं खोजूंगा अपने पुत्र ध्रुव को। अरे माता आप? हाँ, मैंने सोचा तुम जाग गए होंगे, तुम्हें भूख लगी होगी ना। आपने मेरे प्राणों की रक्षा की, मेरा इतना ध्यान रखा, पर अभी तक आपने अपना पूरा परिचय भी नहीं दिया। कहा ना कि माता हूँ, माता का परिचय क्या? माता तो एक नाते का नाम है, पर जिससे इस नाते का संबंध होता है उसका भी अपना एक नाम होता है। अच्छा, मेरा नाम तो सुनो, मेरा नाम विष्णु प्रिया है। विष्णु प्रिया अर्थात भगवान विष्णु की प्रिया, या भगवान विष्णु की प्रिया है, तब तो आप ये भी जानते होंगे कि भगवान विष्णु कहाँ निवास करते हैं। नाम विष्णु प्रिया होने से कोई भगवान विष्णु की प्रिया थोड़ी ही हो जाती है, और यदि ऐसा होता तो इस समय भगवान विष्णु मेरे साथ होते और तुम्हें उनकी खोज में भटकना नहीं पड़ता। तुम्हारे लिए भोजन लाई हूँ, चलो इसे ग्रहण कर लो। मुझे क्षमा कर दो माँ, मैं जानता हूँ तुम मुझे खिलाए बिना भोजन नहीं करती थी, पर मैं भगवान विष्णु से मिले बिना तुम्हारे पास नहीं आ सकता। लो। धन्यवाद माते, मुझे भूख नहीं है। क्यों बेटे? पुत्र ध्रुव! ध्रुव! पिताश्री! पुत्र ध्रुव! पिताश्री आ रहे हैं, मुझे कहीं छुपा दो। क्यों बेटे? पिताश्री आ रहे हैं, मुझे देख लिया तो मुझे घर पकड़ ले जाएंगे, मैं घर जाना नहीं चाहता, मुझे कहीं छुपा दो माते, मुझे कहीं छुपा दो। चलो चलो मेरे साथ। राजा ध्रुव कहाँ चले गए हैं माते? जहाँ भी गया हो तुझे क्या करना है? मेरे लाल, जिस दिन तेरा जन्म हुआ था उसी दिन मैंने स्वप्न संजो लिया था कि राज मुकुट सिर्फ तेरे ही सर पर रखा जाएगा। उसी दिन मैंने मन में ठान ली थी कि राज सिंहासन पर सिर्फ तू ही बैठेगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। भगवान की अपार कृपा है कि मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, ध्रुव स्वयं ही चला गया। तेरी राह का एक ही कांटा था, वो भी दूर हो गया। परंतु पिताश्री तो उन्हें ढूंढने गए हैं। ढूंढने नहीं गए हैं पुत्र, ढूंढने का स्वांग रचा रहे हैं, नहीं तो संसार कहेगा कि पिता को पुत्र की चिंता ही नहीं। वास्तव में वो प्यार तो तुझसे करते हैं, और वो भी इसलिए कि तू मेरा पुत्र है। अब शीघ्र ही भोजन समाप्त कर ले, हमें बहुत से कार्य करने हैं।
मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूं राजगुरु। क्षमा? मुझसे क्षमा? किस बात की क्षमा? मैं क्षमा मांगने आया हूं राजगुरु अपने उस भूल की कि मैंने आपका परामर्श ठुकरा दिया। आपने मुझे रोका था और बिल्कुल ठीक रोका था कि मैं महारानी सुनीति का स्थान सुरुचि को ना दूं, परंतु मैंने आपका तिरस्कार किया। मैं अपनी उसी भूल की क्षमा मांगने आया हूं। राजा मांगता नहीं है महाराज, राजा तो देता है, प्रदान करता है। राजा क्षमा मांगने लगे तो अपराधी को दंड कौन देगा महाराज? आपकी भूल ये थी कि आप अपनी इंद्रियों को वश में न रख सके, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण न कर सके। जिस प्रकार अश्व का सवार यदि अपने अश्व को नियंत्रण में न रख सके तो अश्व उसे अपनी पीठ से धरती पर गिरा देता है, उसी प्रकार आप अपनी कामुक इच्छाओं पर नियंत्रण न कर सके और इन इच्छाओं ने आपको वहां पहुंचा दिया जहां आप आज स्वयं को पा रहे हैं। कर्म से गिरकर आपने राजा के धर्म को लज्जित कर दिया है महाराज। राजा तो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है और उसे किसी से क्षमा मांगना शोभा नहीं देता। मुझसे वास्तव में भारी भूल हुई है, मुझे दंड दीजिए राजगुरु, मुझे दंड दीजिए। भूल अवश्य हुई है महाराज, परंतु मैं दंड देने वाला कौन होता हूं? मुझे तो ये अधिकार ही प्राप्त नहीं। ये भूल आपने मर्यादा के विरुद्ध की है, अपने राजधर्म के विरुद्ध की है, और इस भूल का दंड या क्षमा आपको स्वयं आप प्रदान कर सकते हैं या ईश्वर। मुझे स्वीकार है आपका परामर्श राजगुरु, परंतु आप ही बताइए कि मैं स्वयं को इस भूल का क्या दंड दूं? वो तो आपको मिल ही रहा है महाराज, क्या पुत्र वियोग किसी दंड से कम है? क्या इस राजमहल का सूनापन और सन्नाटा किसी दंड से कम है? क्या ये कुछ कम दंड है कि आप राजभवन में हैं और पुत्र ध्रुव वनों की धूल छान रहा है? राजगुरु, यही दुख तो मुझे चैन नहीं लेने देता। चैन तो आपको उसी समय मिलेगा महाराज जब आप ये निश्चय कर लेंगे कि आप इस भूल को न स्वयं दोहराएंगे न कभी किसी को दोहराने देंगे। प्रजा तो राजा के पद चिन्हों पर चलती है, आप अपनी प्रजा को विश्वास दिलाइए कि ऐसी भूल अब कभी नहीं होगी। रही क्षमा तो वो तो केवल ईश्वर ही कर सकता है। आप भगवान विष्णु से प्रार्थना कीजिए कि वो आपके पुत्र की इच्छा पूर्ति करते। ये होता है तो आपको अपने आप ही क्षमा मिल जाएगी। वो तो मैं अवश्य करूंगा राजगुरु, किंतु इस समय जाकर महारानी सुनीति से क्या कहूं? यही सोच मुझे खाए जा रही है। कुछ तो खा लीजिए महारानी जी। इसे ले जाओ दासी, मुझे भूख नहीं है। कब तक आप भूखी रहेंगी महारानी जी? कुछ तो खा लीजिए ना। कैसे खाऊं? न जाने मेरे ध्रुव ने कुछ खाया होगा कि नहीं। मेरा पुत्र महाराज? नहीं, कहीं नहीं मिला। मैंने सारा क्षेत्र छान मारा, उसका कहीं पता नहीं चला।
सुनीति, ये सब मेरा ही किया धरा है। दिग्विजय उतानपात अपने अनंतपुर में पराजित हो गया। सरूचि के मोहजाल में आकर हमने आप पर और अपने पुत्र ध्रुव पर बड़ा ही अन्याय किया है। ऐसा ना कहे महाराज, ये सब मेरे भाग्य का खेल है। एक बार और चेष्टा करके देख लेते हैं। इस बार मैं भी आपके साथ चलूंगी। वनों में, पहाड़ियों में, घाटियों में, हर जगह उसे पुकारूंगी। कभी तो सुनेगा अपनी माँ की करुणा भरी पुकार, कभी तो सुनेगा। एक महारानी होकर आप भटकती फिरे, नहीं, ये उचित नहीं है। महारानी सुनीति कदापि उचित नहीं है। एक महारानी के लिए उचित नहीं, एक माँ के लिए तो उचित है। उधर ठोकरे खाता फिर रहा हो तो माँ को महल में चैन कैसे मिलेगा? देर हो गई तो वो हमसे और दूर चला जाएगा। चलिए महाराज, चलिए। महारानी, महारानी, सब बना बनाया खेल बिगड़ गया। शुभ शुभ बोल बावली, कौन सा खेल बिगड़ गया? महारानी सुनीति ने महाराज का मन एक बार फिर जीत लिया है। क्या? ये तू क्या कह रही है? स्पष्ट बता क्या हुआ? मैं वहीं से चली आ रही हूँ। पुत्र शोक ने महाराज को व्याकुल कर दिया है। वो मेरे सामने महारानी सुनीति के समक्ष अपना पश्चाताप प्रकट कर रहे थे। क्या? हाँ महारानी, और अब दोनों मिलकर राजकुमार ध्रुव की खोज में जा रहे हैं। कुछ कीजिए वरना आपके सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे। नहीं, यह असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं देखती हूँ कि महाराज कैसे जाते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं महाराज? क्यों, क्या मुझे कहीं जाने के लिए तुम्हारी आज्ञा की आवश्यकता है? हम अपने पुत्र को ढूंढने जा रहे हैं जो केवल तुम्हारे कारण राजमहल छोड़कर चला गया है। हम दोनों मिलकर अपने पुत्र को ढूंढेंगे। ये अचानक पुत्र मोह कैसे उमड़ आया महाराज? पिताश्री ने आकर मेरे नेत्र खोल दिए हैं। मुझे आज ज्ञान हुआ है कि परिवार में पिता का क्या महत्व होता है। मैं भटक गया था, पिताश्री ने मुझे सत्य का मार्ग दिखाया है और अब मैं इस मार्ग को कदापि नहीं छोड़ूंगा। कान खोलकर सुन लीजिए महाराज, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। तू मुझे जाने नहीं देगी? तू रोकेगी मुझे? हाँ मैं रोकूंगी आपको, क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूँ। तू पत्नी नहीं, पत्नी के रूप में हमारे परिवार के सुख चैन, हमारी एकता और हमारे प्रेम की शत्रु है। महाराज, तू उस चमकती रेत के समान है जो प्यासे यात्री को दूर से जल तो दिखाई देता है परंतु पास आने के बाद पता चलता है कि वो जल नहीं केवल रेत है। पिताश्री ने आकर मुझे इस मोहजाल से मुक्त कर दिया है। तेरे मोह में फंसकर मैं अपनी देवी समान धर्म पत्नी को भूल चुका था, अपने आप को भूल चुका था। तो ये कहिए ना कि सुनीति ने अंत में आप पर अपना रंग जमा ही लिया। मैं सब समझती हूँ, इसी ने आपको मेरे विरुद्ध भड़काया है। ये बेचारी शोक की मारी किसी को क्या भड़काएगी? इसके मन में तो पुत्र वियोग की अग्नि दहक रही है, पर तू क्या जाने इस दुख को? यदि तेरा उत्तम कहीं चला गया होता तो तुझे ज्ञान होता कि पुत्र वियोग क्या होता है। ये आप क्या कह रहे महाराज? भगवान के लिए इतने अशुभ बोल अपने मुंह से ना बोलिए। भगवान ना करे कि वो कहीं चला जाए। वो केवल आपका ही नहीं, मेरा भी पुत्र है। उसने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया तो क्या हुआ? माता कहकर तो वो मुझे भी पुकारता था। मैं तो यही सोचती थी कि ध्रुव के जाने के बाद उत्तम ही हमारे घर का दीपक है।
ध्रुव को तो मैं खो चुकी हूं। उत्तम भी अगर कहीं चला गया तो हमारा क्या होगा? देख लिया तुमने, ये है माता, ऐसी होती है ममता। और एक तुम हो कि ध्रुव हरदम तुम्हारी आंखों में कांटे के समान खटकता रहता था। तुम यही चाहती थी ना कि राजमहल तुम्हारा हो जाए, यह ऐश्वर्य तुम्हारा हो जाए, मेरे राजकोष, मेरे सिंहासन पर तुम्हारा अधिकार हो जाए। तो ले, मैं सब कुछ तुम्हें देता हूं और सुनीति को लेकर अपने पुत्र की खोज में जा रहा हूं। यदि वो हमें ना मिला तो हम भी लौट कर नहीं आएंगे। तू बिठा ले अपने पुत्र को राज सिंहासन पर और जैसे चाहे वैसे राज कर। हम जा रहे हैं, चलिए महारानी सुनीति। महाराज, से हो और मैं तुम्हारे लिए जल लाया हूँ, क्या इतना जान लेना पर्याप्त नहीं है? मैं जल पीना नहीं चाहता, मैं भगवान विष्णु से मिलने जा रहा हूँ, बहुत लंबी यात्रा करनी है मुझे। जल नहीं पियोगे तो लंबी यात्रा कैसे करोगे? धर्म की साधना के लिए शरीर की रक्षा करना बहुत आवश्यक होता है बालक। लो थोड़ा सा जल पी लो। अब जो भी हो, भगवान विष्णु की खोज में यदि मेरा पथ निर्देश कर दे तो आपकी बहुत कृपा होगी। तुम जितने कोमल हो पुत्र, तुम्हारा संकल्प उतना ही कठोर है। इस कड़ी धूप में कुम्हला जाओगे। मेरी बात मानो पुत्र, घर लौट जाओ। मैं तो समझा था कि आप मेरा मार्गदर्शन करेंगे। मार्गदर्शन ही तो कर रहा हूँ। देखो, यहाँ से एक मार्ग तुम्हारे घर की ओर भी तो जाता है। भी मिलता है, मुझे घर लौट जाने को कहता है, कोई भी भगवान विष्णु का पता नहीं बताता। मैं उनसे मिले बिना घर नहीं जाऊंगा। ये जानकर भी नहीं कि तुम्हारी खोज में तुम्हारे माता पिता दिशाएं छान रहे हैं। आपको किसने बताया? मैं तो तुम्हें भी बता सकता हूँ। बता क्या, मैं तो तुम्हें दिखा भी सकता हूँ। देखना चाहोगे? देखो। माते, संभलिए महारानी। आप कौन है? आप मेरे माताजी के पास ले जा सकते हैं, तो फिर भगवान विष्णु के पास भी ले जा सकते हैं।
मुझे बताइए आप कौन है? मैं नारद हूँ बालक, देवर्षि नारद। बारंबार प्रणाम आपको करता हूँ देवर्षि नारद। मुझे बताइए भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं? भगवान विष्णु तो क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर निवास करते हैं पुत्र। चलिए ले चलिए मुझे क्षीर सागर। यही तो समस्या है पुत्र। क्या समस्या है? कोई प्राणी जीते जी क्षीर सागर में नहीं जा सकता। क्षीर सागर में मनुष्य की आत्मा जा सकती है, उसका शरीर नहीं। जब तक कोई प्राणी इस जीवन के बंधन में बंधा है तब तक वो क्षीर सागर नहीं जा सकता। मृत्यु के पश्चात ही वहां जाया जा सकता है बालक। पर मैं तो जीते जी उनसे मिलना चाहता हूँ। मैं मृत्यु से नहीं डरता, किंतु मैं उनसे मिले बिना मरना नहीं चाहता। तुमने तो मुझे चक्कर में डाल दिया पुत्र। एक बात कहूँ देवर्षि? अवश्य कहो पुत्र। मनुष्य तो मृत्यु के पश्चात ही उनसे मिल सकता है, पर वे स्वयं तो किसी भी जीवित प्राणी से मिल सकते हैं ना? मेरी बुद्धि की परीक्षा मत लो। तुम क्या कहना चाहते हो बालक? यही कि यदि मैं उनके पास नहीं जा सकता पर वो तो मेरे पास आ सकते हैं ना? हाँ ये तो संभव है, किंतु इसके लिए बड़ी कड़ी तपस्या करनी होगी। करूँगा करूँगा, कड़ी से कड़ी तपस्या करूँगा। सोच लो बालक, बड़ी कठिन राह है ये, कष्ट ही कष्ट है इस राह में। भगवान विष्णु के दर्शन के लिए मैं हर कष्ट हंस के सह लूंगा। पहले तुमने मुझे प्रणाम किया, अब मैं तुम्हें, तुम्हारे साहस, तुम्हारे दृढ़ निश्चय को प्रणाम करता हूँ। इतना छोटा बालक और इतना बड़ा संकल्प, इतना साहस। अच्छा तो सुनो, तुम्हें उस वन में जाना होगा, दूर अंदर तक। वहां जाके तुम्हें एक मंत्र का जाप करना होगा, निरंतर, तार तोड़े बिना। जाप एक पल के लिए भी नहीं टूटना चाहिए। मुझे मंत्र दीजिए। कहो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 देवर्षि माते प्रणाम। माते, क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? आप मुझे कुछ रूठी रूठी सी दिखाई दे रही हैं। हाँ, मैं आपसे बहुत क्रोधित हूँ। आप भी कभी कभी ऐसे उल्टे सीधे काम करते हैं कि मन करता है आपसे कभी बात ही न करूं। मगर माते, नियम तो ये है कि दंड देने से पहले अपराध करने वाले को उसके अपराध के बारे में बताया जाता है। आपने तो मुझे अभी तक नहीं बताया कि मेरा अपराध क्या है। आपसे उत्तर नहीं बन पा रहा है, इसके लिए बातें मना रहे हैं। मैं पूछती हूँ, उस छोटे से बालक को इतने घोर वन में भेजने की क्या आवश्यकता थी, जहाँ हर पग वन्य पशुओं और विषैले सर्पों का संकट है? ओ, तो माता मुझसे इसलिए रुष्ट हैं कि मैंने ध्रुव को वन में क्यों भेज दिया? और नहीं तो क्या, मंत्र का जाप ही तो करना था। वो तो ध्रुव वहाँ भी कर सकता था जहाँ आप उसे मिले थे। एक कोमल काया को इतना बड़ा कष्ट देने की क्या आवश्यकता थी? परंतु माते, जहाँ मैं ध्रुव से मिला था वह एक खुला क्षेत्र था। तो क्या हुआ? नारायण नारायण। माते, आपको तो पता है कि ध्रुव के माता पिता उसकी खोज में निकल चुके हैं। हाँ मैं जानती हूँ। माते, किसी खुले क्षेत्र में ध्रुव उनकी दृष्टि से बच नहीं पाता। कभी ना कभी वह उसे देख ही लेते। यदि वह उसे देख लेते तो फिर घर ले जाने का प्रयत्न करते। यदि वह उसे घर ले जाने का प्रयत्न करते तो मंत्र के जाप का तार टूट जाता। यदि मंत्र के जाप का तार टूट जाता तो ध्रुव की तपस्या भंग हो जाती, और यदि ध्रुव की तपस्या भंग हो जाती तो भगवान विष्णु से मिलने की उसकी मनोकामना पूर्ण न हो पाती। इसलिए मैंने
उसे एक ऐसे स्थान पर भेज दिया है जहां उसे कोई देख न सके। माते ठीक है, किंतु तुम जानते हो ना कि ध्रुव मुझे कितना प्यारा है, यदि उसे कोई हानि पहुंची तो। माते मैं उसके भाग्य के लिखे को तो नहीं बदल सकता, मैंने तो वही किया जो मुझे इन परिस्थितियों में उचित लगा। क्या अब भी आप मुझसे रुष्ट हैं? नहीं, परंतु संतुष्ट भी नहीं हूं। एक बात कहूं माते? कहो। आप जब भी क्रोधित होकर मुझे डांटती हैं तो मुझे बहुत आनंद मिलता है। मुझे यूं लगता है मानो किसी सुंदर मधुवन से मुझ पर फूलों की वर्षा हो रही हो। नारायण नारायण। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 प्रणाम देवी। प्रणाम। हमारे अहोभाग्य कि विष्णु भार्या ने शिवलोक में पधारकर उसे पावन कर दिया वीराजी। लेकिन देवी, यदि आप मेरे पति भोलेनाथ के दर्शन के लिए पधारी हैं तो वो इस समय काशी में विराजमान है। मैं आपसे मिलने आई हूँ। तब तो मैं अपने भाग्य पर जितना गर्व करूँ उतना कम है देवी। मेरी समझ में नहीं आता मैं इतने महान अतिथि का सत्कार किस प्रकार करूं? ये तो आपकी महानता है जो मुझे इतना सम्मान दे रही हैं। किंतु सत्य तो ये है कि आज मैं शिवलोक में अतिथि नहीं याचक बनकर आई हूँ, एक विनती लेकर उपस्थित हुई हूँ। विनती? कैसी बातें कर रही हैं देवी? आदेश दीजिए, आज्ञा दीजिए। संपूर्ण संसार जानता है शिव के हृदय में विष्णु वास करते हैं। परंतु देवी, आपको चिंताग्रस्त देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। मन में चिंता बैठी हो तो मुख दर्पण में उसकी छाया आ ही जाती है। जब कोई माँ अपने पुत्र के लिए चिंता करती है तब वो छिपाए नहीं छिपती। माँ पुत्र? मैं कुछ समझी नहीं देवी, आप किस माँ और किस पुत्र की बात कर रही हैं? मैं अपने पुत्र की बात कर रही हूँ शिव भार्या। आपका पुत्र? ये कैसी पहेली बुझा रही हैं देवी? कोई पहेली नहीं है देवी, आप तो जानती हैं ना मानव लोक के एक छोटे से बालक ध्रुव ने भगवान विष्णु से मिलने की ठान ली है और इसके लिए वो कोई भी कष्ट उठाने के लिए तैयार हो गया है। जानती हूँ देवी, लेकिन वो आपका पुत्र तो नहीं है। अवश्य नहीं है, पर मैं उसे अपना पुत्र मान चुकी हूँ, उसने भी मुझे माँ कहा है। देवी, यदि मेरे योग्य कोई सेवा हो तो आपकी आज्ञा सिर माथे पर, आदेश दीजिए। नन्ना ध्रुव घने वन में घोर तपस्या कर रहा है, उस वन में भयानक पशु हैं। मुझे भय है मेरे ध्रुव पे कोई संकट ना आ जाए। देवी, वनराज आपके वाहन हैं, उन पर आपका अधिकार है,
मेरे ध्रुव पे कोई संकट ना आए, यही प्रार्थना लेकर मैं आपके पास आई हूँ। बस इतनी सी बात देवी, यदि इसी चिंता ने आपको पीड़ित कर रखा है तो इसे अपने मन से निकाल फेंकिए। मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि वत्स ध्रुव पर आंच भी नहीं आने दूंगी। आप कितनी महान हैं, त्रिलोक के सबसे बड़े दानी की आप हृदय स्वामिनी हैं। आपका हृदय इतना विशाल है कि जो भी आपसे सहायता मांगने आता है उसे आप निराश नहीं करती। अब मुझे विश्वास हो गया है कि मेरे ध्रुव का अमंगल नहीं होगा। आपकी जय हो देवी पार्वती, जय हो। भगवते वासुदेवाय, ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय, धन्य हो पुत्र, धन्य है तुम्हारी ये तपस्या, तुम्हारा ये विश्वास, तुम्हारा ये दृढ़ निश्चय। पुत्र, तुम्हारी ऐसी तपस्या से तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी सीख लेंगे। तुम्हारा सदैव कल्याण हो, यही मेरा आशीर्वाद है। तुम्हें सदैव सफलता मिले पुत्र, यही मेरी कामना है। सिंहराज, तुम यही ठहरोगे, पुत्र ध्रुव पर कोई संकट ना आने पाए। नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो
नहीं नहीं हे जल, हम प्यास से तड़प रहे हैं, परंतु हम तुझसे अपनी प्यास कैसे बुझाएं? न जाने हमारे लाडले पुत्र ध्रुव की प्यास तूने बुझाई है या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि हम तुझसे अपनी प्यास बुझा लें और हमारा पुत्र तेरी एक एक बूंद को तरसता रहे। नहीं, हम अपनी प्यास बुझाकर ऐसा पाप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। नारायण नारायण। देवऋषि आप, महारानी सुनीति, लगता है हमारे भाग्य जाग गए। आपके दर्शन करके तो हम धन्य हो गए। न जाने कब से हमारी आंखें आपके दर्शनों की प्यासी थी। आंखों की प्यास यदि बुझ गई हो तो अब आप जल से अपनी प्यास बुझाएं। जल ग्रहण कीजिए राजन, आप भी और महारानी सुनीति आप भी। कैसे ग्रहण करें जब से हमारा पुत्र राजमहल छोड़ के गया है। भूख प्यास सब मिट गई हमारी। न जाने कहाँ होगा, कैसा होगा, उसे ढूंढ ढूंढ के थक गए हम। राजभवन का पाला हुआ न जाने किन मार्गों में ठोकरें खा रहा होगा वो। आपका पुत्र भगवान विष्णु की खोज में निकला है। जो भगवान की खोज में निकलते हैं, जिनके मन में वो रम जाते हैं, उन्हें भगवान अपनी अनुकंपा की छत्र छाया में ले लेते हैं। संसार की कोई भी विपदा उन्हें छू भी नहीं सकती। हमारा पुत्र कहाँ है इस समय? मैं ये तो नहीं बता सकता देवी, परंतु इतना अवश्य कह सकता हूं वह जहां भी है सुरक्षित है। क्या हम उसे मिल सकते हैं देवऋषि? ये भी संभव नहीं है, क्योंकि ध्रुव भगवान विष्णु के अतिरिक्त किसी से मिलना नहीं चाहता। फिर आप उससे कैसे मिल सकते हैं? हे देवर्षि, क्या हम उसकी एक झलक भी नहीं देख सकते? नहीं देवी, यह भी संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं? इसलिए क्योंकि उसे स्वयं भगवान विष्णु की एक झलक देखने की धुन है, इसलिए आप उसे देख ना पाएंगी। मेरा परामर्श मानेंगे राजन? आज्ञा दे प्रभु। आप अपनी राजधानी लौट जाइए। यह संभव नहीं है देवऋषि। मैं प्रण कर निकला था कि लौटूंगा तो ध्रुव को साथ लेकर, नहीं तो मैं भी नहीं लौटूंगा। नारायण नारायण। महाराज उत्तानपाद, आप भी विचित्र प्राणी हैं। क्यों प्रभु? आपने तो मानो ठान ली हो कि जीवन भर वही करेंगे जो दूसरों के लिए कष्टदायक हो। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? मैंने तो कभी किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचाया। किसको नहीं पहुंचाया? कौन सा धर्म निभाया आपने जिससे दूसरों को सुख मिले? मैं आपका कटाक्ष समझा नहीं प्रभु। कटाक्ष नहीं, ये सत्य है राजन। सबसे पहले आप पति धर्म भूले। आपने सुंदरता में अधिक रुचि ली, नीति को महत्व नहीं दिया। सुंदर सुरुचि को पाकर आप सुशील सुनीति को भूल गए। आपने पिता का भी धर्म नहीं निभाया, इसलिए आज आपके जिस पुत्र को आपके स्नेह की छांव में होना था वह इस झुलसाती धूप में भटक रहा है, और अब अपनी प्रजा को कष्ट देकर आप एक राजा के धर्म से भी विमुख होना चाह रहे हैं। परंतु प्रभु, मैंने प्रजा को तो कोई कष्ट नहीं दिया है।
कैसे नहीं दिया? राजकाज की बागडोर और अपनी प्रजा के हित को एक स्वार्थी नारी की दया पर छोड़कर आप समझते हैं कि आपने अपनी प्रजा को बहुत सुख दिया है? जो राजा अपने परिवार की समस्या में पड़कर अपनी प्रजा के हित को भूल जाए, उसे राजा कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। एक सुंदर नारी की सुंदरता में आप ऐसा फंसकर भटके कि धर्म का मार्ग ही भूल गए। राजन, जब एक व्यक्ति भटकता है तो केवल वही व्यक्ति भटकता है, किंतु जब एक राजा भटकता है तो पूरा देश भटक जाता है, राष्ट्र भटक जाता है। आप सत्य कहते हैं प्रभु, परंतु मेरे लिए अपने पुत्र को भूल पाना संभव नहीं। मैं राजा अवश्य हूं पर पिता भी तो हूं। यही तो वो सत्य है राजन, जो एक साधारण व्यक्ति से राजा की और एक राजा से साधारण व्यक्ति की पहचान अलग करता है। एक साधारण व्यक्ति के लिए उसका परिवार ही उसका संसार है, किंतु एक राजा के लिए उसकी प्रजा ही उसका परिवार है। और आप अपने परिवार को भूल गए हैं। अब भी समय है राजन, अपनी भूल का प्रायश्चित कर लीजिए, घर लौट जाइए। देवर्षि, आप तो मेरे पूज्य पितामह हैं, सृष्टि के सबसे महान पथ प्रदर्शक हैं। आपने तो सदैव ही भटकों को मार्ग दिखाया है, आपने मुझे भी धर्म का मार्ग दिखाया है। मुझे मेरी भूल बताकर आपने बड़ा उपकार किया है, प्रणाम है आपको, बारंबार प्रणाम है। आपकी आज्ञा शिरोधार्य करके मैं अपने परिवार, अपनी प्रजा के पास वापस लौटता हूं। चलिए महारानी। चलो, माता पिता को तो सद्बुद्धि मिल गई, अब देखें ध्रुव की स्थिति क्या है। नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते नारायण नारायण। गुरुदेव, भगवान विष्णु अब तक नहीं आए। आपने तो कहा था कि इस मंत्र का जाप करोगे तो भगवान विष्णु अवश्य आ जाएंगे, वे तो अब तक नहीं आए। पुत्र, इतना सरल समझ लिया है भगवान विष्णु का इस धरती पर आना? बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने तो अपना सारा जीवन इसी तपस्या में लगा दिया, किंतु कुछ ही के भाग्य में भगवान विष्णु के दर्शन लिखे थे। तुम्हारी तपस्या तो अभी प्रारंभ हुई है। मुझे और कितनी तपस्या करनी होगी उनके दर्शन पाने के लिए? वत्स, फल अपने निर्धारित समय पर ही पकता है, कली भी निर्धारित समय पर ही फूल बनती है। सूर्य, चंद्रमा, प्रभात, संध्या, ये सब एक क्रम चक्र से बंधे हैं। इनका उदय होना, अस्त होना, आना जाना, ये सब निर्धारित समय से ही होता है। तुम्हारी तपस्या सफल होने का समय भी अवश्य आएगा पुत्र, पर तुम तो अभी से घबरा गए। घबराया नहीं गुरुदेव, पर कहीं मेरी तपस्या में कोई कमी तो नहीं रह गई जो भगवान विष्णु अभी तक मेरे पास नहीं आए। तुम्हारी बात में तथ्य है पुत्र, तुमने मुझे सोचने पर विवश कर दिया है, क्योंकि ये तो सत्य है कि मेरे नारायण उन्हीं से प्रसन्न होते हैं जिनके मन में उनके अतिरिक्त किसी का ध्यान न हो, जिनके नेत्रों में उनके अतिरिक्त किसी की छवि न हो,
जो उनके दर्शन के अतिरिक्त कोई अभिलाषा न रखते हों, जो जो सारी कामनाओं का, सारे बंधनों का त्याग कर चुके हों, जो पूर्ण रूप से समर्पित हों। आप ही तो मेरे गुरु हैं, आप ही तो मेरे मार्गदर्शक हैं, आप ही बता सकते हैं कि मैं और क्या करूं जो भगवान विष्णु मेरे पास आ जाए। कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है वत्स, यही विधि का नियम है। मुझे क्या छोड़ना होगा गुरुदेव? तुम बहुत बड़ी वस्तु पाना चाहते हो, अतएव तुमको बहुत बड़ी वस्तु छोड़नी पड़ेगी। आप उस वस्तु का नाम बताइए, मैं उसे छोड़ दूंगा। खाना छोड़ सकते हो? हाँ छोड़ दूंगा, तब तो भगवान विष्णु मेरे पास आ जाएंगे ना। अवश्य आएंगे पुत्र। कोई कितना भी आग्रह करे, कितना भी विवश करे, बस तुम खाने को हाथ मत लगाना, फिर देखो कितना शीघ्र भगवान का मन पिघलता है। अच्छा तुम अपने मंत्र का जाप आरंभ करो, मैं चला, मुझे कुछ और कार्य याद आ गया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आंखें खोलो पुत्र, लो तुम्हारे लिए फल लाई हूँ। मैं नहीं खाऊंगा माते। क्यों, क्या भूख नहीं लगी? लगी है, पर मैं कुछ नहीं खाऊंगा। पर क्यों नहीं खाओगे? मेरे गुरु का यही आदेश है। आदेश? क्या आदेश है? क्या कहा देवर्षि ने तुम्हें? उन्होंने कहा है कि यदि मैं खाना छोड़ू तो भगवान विष्णु शीघ्र मेरे पास आ जाएंगे। पुत्र तुम अभी बहुत छोटे हो, खाओगे नहीं तो रहोगे कैसे? भूख तुमसे सहन नहीं होगी। मैं सहन करूंगा, सब कुछ सह लूंगा, भूखा रह लूंगा, पर जब तक भगवान विष्णु मेरे पास नहीं आ जाते मैं कुछ नहीं खाऊंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपका मुख आपके मन का दर्पण है देवी। मन में चिंता हो तो उसकी छाया आपके मुख पर कहीं दूर से दिखाई देने लगती है, और आज तो आप सिर से पांव तक चिंता की मूर्ति बनी हुई है। सब कुशल तो है? कुशल कहां कमल नयन, देवर्षि नारद को न जाने समस्याएं खड़ी करके क्या आनंद आता है। एक और नई समस्या खड़ी कर दी उन्होंने। अब कौन सा नया पुष्प खिलाया उन्होंने? पहले तो उसे वन में तपस्या करने के लिए छोड़ दिया। मुझे यही चिंता क्या कम थी कि वन के पशुओं से उसकी रक्षा कैसे होगी, और अब उन्होंने ध्रुव को आदेश दिया है कि आहार भी त्याग दे। देवर्षि ध्रुव के गुरु हैं, गुरु की आज्ञा का पालन करना शिष्य का कर्तव्य होता है, गुरु तो भगवान से भी बड़ा होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि आप भी देवर्षि से सहमत हैं? वो तो नन्हा सा बालक है, तनिक सोचिए तो आहार त्यागने से उसकी क्या दशा हो जाएगी। क्षमा कीजिए प्रभु, संभवतः आपको भी उसकी पीड़ा पर दया नहीं आ रही। ये आप नहीं बोल रही हैं देवी, ये आपके भीतर समाई हुई एक नारी, एक माँ बोल रही है। यही समझ लीजिए करुणा सिंधु, पर मुझसे उसकी दशा देखी नहीं जाती। दया कीजिए उस पर, दया कीजिए मुझ पर। मुझे आपसे सहानुभूति है देवी, पर मुझे खेद है, मैं पक्षपात नहीं कर सकता। पक्षपात? कैसा पक्षपात प्रभु? धरती पर मनुष्य लोक में मेरे अगणित भक्त हैं। माना कि ध्रुव सर्वस्व त्याग कर मेरा दर्शनाभिलाषी है देवी, परंतु जो मेरे साधारण भक्त हैं उनका भी तो मुझ पर अधिकार है। आप तो जानती हैं देवी कि जो भी सच्चे मन से मुझे पुकारे मैं उसी का हो जाता हूं। तो फिर यह कैसे संभव है देवी कि मैं अपने असंख्य भक्तों को भूलकर केवल एक बालक को कृतार्थ करूं? देवी
सूर्य अपना प्रकाश बांटते समय राजा के महल और दीन की कुटिया में अंतर नहीं करता। वर्षा का बादल मधुवन पर बरसता है तो मरुस्थल की प्यास भी बुझाता है। तो फिर यह कैसे संभव है देवी कि मैं अपने भक्तों में पक्षपात करूं? हे महादेवी, ये मत भूलिए कि ईश्वर भी ईश्वरत्व के नियम से बंधा है और ईश्वरत्व का नियम है समानता। मेरी दृष्टि में समस्त मानव जाति समान है। मैं धरती पर जा अवश्य सकता हूं देवी, किंतु समस्त मानव समूह के कल्याण के लिए, केवल किसी एक के कल्याण के लिए नहीं। चाहे मेरा ध्रुव भूख प्यास से दम ही क्यों ना तोड़ दे। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं देवी कि मैं विधाता के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मुझे आपसे सहानुभूति है, परंतु यदि विधाता ने उसके भाग्य में यही लिख दिया हो तो फिर यही होकर रहेगा। गंधर्व मलय केतु, ये नन्ना सा बालक अकेले इस भयानक वन में क्या कर रहा है? देखते नहीं गंधर्व राज चित्ररथ भगवान विष्णु के मंत्र का जाप कर रहा है। ये बालक अवश्य ही उनका मन जीतने का प्रयत्न कर रहा है। ये तो चिंता का विषय है गंधर्व राज। है तो सही, कहीं इसकी तपस्या हमारे स्वर्ग के स्वामी के लिए कोई संकट ना खड़ा कर दे। तब तो हमें तुरंत देवराज इंद्र को सूचित करना चाहिए। चलो कहीं देरी ना हो जाए। Thank you.
देवराज 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 देवराज। क्या बात है गंधर्वराज चित्ररथ? क्या हुआ गंधर्व मलय केतु, तुम दोनों इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? क्या कहीं कोई अनर्थ हो गया? अनर्थ हुआ तो नहीं देवराज, पर हो अवश्य सकता है। स्वर्ग पर संकट की छाया है। क्या कह रहे हो, तुम तो लगता है अपना मस्तिष्क ही खो बैठे हो। तुम बताओ मलय केतु, क्या बात है? हम दोनों एक वन से जा रहे थे कि हमें एक छोटा सा बालक भगवान विष्णु की तपस्या में मग्न दिखाई दिया। तो क्या हुआ? उसके सामने फलों से भरी थाली रखी हुई थी, सारे फल सूख चुके थे। इसका अर्थ ये हुआ कि उसने आहार भी त्याग दिया है। बड़ी कठिन तपस्या लग रही थी उसकी। एक बालक क्या और उसकी तपस्या क्या गंधर्वराज, हमें इससे क्या भय? हमारे मन में उसे तपस्या करते देखकर भय समा गया कि कहीं वो भगवान विष्णु से इंद्रासन ना मांग ले। मेरा आसन, ये क्या कह रहे हो? गंधर्व मलय केतु सत्य कह रहे हैं देवराज। धरती लोक के वासियों की दृष्टि सदैव इंद्रासन पर लगी रहती है। इंद्रासन इतना महान है कि हर कोई उसे लेना चाहता है। स्वर्ग को कौन नहीं जीतना चाहता देवराज? तुम दोनों ने तो मुझे चिंता में डाल दिया। नारायण नारायण। बड़ी शुभ घड़ी में पधारे आप देवर्षि। मैं सोच ही रहा था कि अपनी चिंता का भागीदार किसे बनाऊं, कि आप आ गए। मैं आपकी कोई सेवा कर सका तो स्वयं को धन्य समझूंगा। आपको ज्ञात है कि एक बालक वन में भगवान विष्णु के लिए तपस्या कर रहा है? हाँ, मैं जानता हूं। उस बालक का नाम ध्रुव है। क्यों कर रहा है वो तपस्या? बड़ा विचित्र प्रश्न है देवराज। क्या आप किसी को तपस्या करने का भी अधिकार नहीं? परंतु उसकी तपस्या का कोई तो उद्देश्य होगा। तपस्या, साधना, भक्ति और आराधना, ये व्यक्तिगत कार्य हैं देवराज। जो जिसकी पूजा करता है वही उसका उद्देश्य समझता है। आराधक और आराध्य के बीच आने का किसी को भी अधिकार नहीं। मुझे इतना भोला न समझिए देवर्षि। धरती के वासी स्वार्थ के बिना ईश्वर की पूजा भी नहीं करते। इस बालक का भी अवश्य ही कोई स्वार्थ है। मानता हूं देवराज, आप सत्य कह रहे हैं, किंतु ध्रुव के विषय में कहना उचित न होगा। क्यों? मानव लोक के वासियों के मन में साधारणतया दो ही प्रलोभन होते हैं, या तो उन्हें सत्ता का लोभ होता है या फिर धन का। ध्रुव महाराज उत्तानपाद का ज्येष्ठ पुत्र है, सो उसे सत्ता का क्या लोभ होगा? सत्ता तो आज नहीं तो कल उसके हाथों में आनी ही है। और आप तो जानते ही हैं देवराज कि धरती पर जिसके हाथों में सत्ता होती है उसके चरणों में धन का ढेर लग जाता है, सो ध्रुव को धन का भी लोभ नहीं हो सकता। हमारे गंधर्व तो कुछ और ही सोचते हैं। क्या सोचते हैं आपके गंधर्व? इनका विचार है, और हमारे विचार में इनका विचार कुछ अनुचित भी नहीं, कि ध्रुव भगवान विष्णु से वरदान में हमारा सिंहासन मांगने वाला है। नारायण नारायण। देवराज, धरती पर कई बार प्रलय आई और फिर सृष्टि की रचना भी हुई। युग बदले, शताब्दियां बदली, कल्प बदले, मनवंतर बदले, पर नहीं बदले तो आप। उधर क्षणभर को किसी ने साधना में आंख क्या बंद कर ली, इधर आपका सिंहासन डोल गया। विश्वास कीजिए देवराज, ध्रुव का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। आप जानते हैं देवर्षि की इंद्रासन पर सबकी आंखें लगी रहती हैं। पहले भी कई बार कई लोग इसे हत्याने का प्रयास कर चुके हैं। मुझे यही चिंता है।
आपको चिंतित रहने का इतना अभ्यास हो चुका है देवराज कि यदि आप चिंतित न लगें तो अधूरे से लगते हैं। ध्रुव की दृष्टि में इंद्रासन तुच्छ है, उसकी दृष्टि तो कहीं और ऊंचाई पर लगी हुई है। परंतु आप चाहते क्या हैं देवराज? मैं चाहता हूं कि उसकी तपस्या में बाधा पड़ जाए, उसकी साधना टूट जाए। आप अपनी इच्छा के स्वामी हैं देवराज, किंतु इतना जान लीजिए कि ध्रुव के मन में जो सूर्य उदय हो चुका है उसे विरोध की कोई भी घटा ढांप नहीं सकती। उसके जीवन में जिस सुगंध ने जन्म ले लिया है उसे कोई भी दीवार रोक नहीं सकती। मैं रोकूंगा उसे, आप देखते जाइए। अवश्य दिखाइए, मुझे तो यूं भी आपकी लीला देखने में बड़ा आनंद आता है। नारायण नारायण। रक्षिता, आज्ञा देवराज। रक्षिता, तुम्हें अभी इसी समय धरती पर जाना है, उस वन में जाना है जहां एक नन्हा बालक ध्रुव भगवान विष्णु के लिए तपस्या कर रहा है। तुम्हें उसकी तपस्या भंग करनी है। जो आज्ञा देवराज। उसकी तपस्या भंग करने का ढंग मैं बताता हूं तुम्हें, ध्यान से सुनो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव, मेरे पुत्र, तू यहाँ है और मैं तेरी खोज में न जाने कहाँ कहाँ भटक रही थी। भगवते वासुदेवाय, आंखें तो खोल मेरे राज दुलारे, देख भगवते वासुदेवाय, देख मैं तेरे सामने खड़ी हूँ। नमो भगवते वासुदेवाय, देख तेरे वियोग में नमो भगवते मेरी क्या दशा हो गई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अरे भगवते वासुदेव, तू तो मेरी बात ही नहीं सुनता। नमो भगवते वासुदेव, पहले मेरी एक पुकार पर मेरे पास दौड़ा चला आता था, मेरी बाहों में समा जाता था। ओम नमो भगवते वासुदेव, ये तुझे क्या हो गया है ध्रुव? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो, न जाने किसने जादू टोना कर दिया मेरे राजकुमार पर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मेरे लाल, बंद कर दे अपनी तपस्या, तेरी इच्छा पूरी हो गई है। ओम नमो महाराज, तुझे अपनी गोद में बिठाने को तैयार हो गए हैं। तेरी भी माता सुरुचि ने भी अपनी भूल स्वीकार कर ली है। चल मेरे लाल, राजमहल तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाय मेरे भाग्य, मेरी आंखों की तारी, मेरे मन के चैन, ये तेरी आयु नहीं तपस्या करने की, अभी तो तेरे खेलने कूदने के दिन है। तूने अभी जीवन में देखा ही क्या है, तुझे मेरी सौगंध, बंद कर दे ये जाप। यदि तूने ये जाप नहीं बंद किया तो मैं अभी यही तेरे सामने अपने प्राण त्याग दूंगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते।
तुमने खाना छोड़ दिया है, यदि पानी पीना भी छोड़ दो तो भगवान विष्णु और भी शीघ्र तुमसे मिलने आ जाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे करुणा सिंधु, हे प्रभु, न जाने क्यों मेरा मन कांप रहा है। कोई डरावना भय मेरे मन को व्याकुल कर रहा है। कहीं मेरे पुत्र के प्राण संकट में तो नहीं? हे दया सागर, इस दुखियारी माता पर दया करो, मेरे पुत्र की रक्षा करो प्रभु, मेरे पुत्र की रक्षा करो प्रभु, मेरे पुत्र की रक्षा करो। मेरे पाप का दंड मेरे पुत्र को न देना परमेश्वर। उसे कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। तू क्या करने आई है यहां? इसकी ममता के संसार में आग लगाकर उसके चलने का दृश्य देखने आई है? नहीं महाराज। क्या मिला तुझे हमारा सुख चैन छीन कर? धिक्कार है तुझे, चली जा, जा चली जा, नहीं तो मैं अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाऊंगा। जाने दीजिए स्वामी, जाने दीजिए। आप नहीं जानती महारानी सुनीति, यह सब इसी दुष्नारी का किया धरा है। ना ये ध्रुव को हमारी गोद से उतारती और ना हमें ये दुख भरे दिन देखने पड़ते। मैं कहता हूं चली जा, चली जा यहां से, कहीं मेरे हाथों से तेरी हत्या ना हो जाए। ऐसा मत कहिए स्वामी, सुरुचि को दोष देकर हम केवल अपने मन को बहला सकते हैं। ये तो नियति का खेल है। भागी में पुत्र वियोग लिखा था, सुमिल कर रहा, इसमें सुरुचि क्या करती? मैं नहीं मानता, भूल हम करते हैं और दोष हम भाग्य को देते हैं। ध्रुव सदैव इसकी आंखों में कांटे की तरह खड़कता रहा, इसी के कारण हमारा पुत्र राजमहल छोड़कर चला गया। मैं जानता हूं इसे, ये बड़ी अभिमानी है, बड़ी निर्दयी है ये। इसकी महत्वाकांक्षाओं का भी कोई अंत नहीं और इसे किसी के दुख का भी कोई ध्यान नहीं। मैं तो कहता हूं कि यदि इसका उत्तम कहीं चला जाता तो इसे पता चलता कि पुत्र वियोग क्या होता है। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? दुखी होने का अर्थ ये नहीं कि कोई अपना विवेक ही खो दे। भगवान ना करे हमारा उत्तम कहीं चला जाए, वही तो इस राजभवन का कुलदीपक है। हमारा एक पुत्र तो न जाने कहां भटक रहा है। आप चाहते हैं कि हमारा दूसरा पुत्र भी हमसे दूर हो जाए? उत्तम केवल सुरुचि का ही पुत्र तो नहीं, वो मुझे भी माता कहकर पुकारता है। आप नहीं जानते, जब मुझे माता कहकर पुकारता है ना, तो घड़ी भर को मैं ये भी भूल जाती हूं कि मेरा ध्रुव मेरे पास नहीं है। उत्तम के लिए कोई भी शब्द आप अपने मुंह से मत निकालिएगा। सुना तुमने सुरुचि? सुनी तुमने इस दुखियारी मां की बातें? ऐसी होती है ममता, इसे कहते हैं माता। तुमने इसके पुत्र के विरुद्ध क्या कुछ नहीं किया, पर ये तुम्हारे पुत्र के विरुद्ध कुछ भी बुरा सुनने को तैयार नहीं है। तुम इसे दुख देकर कितनी प्रसन्न थी, और ये तो इस विचार से दुखी है कि कहीं तुम्हें कोई दुख ना पहुंचे। कितनी महान है ये, और तुम
कितनी छोटी हो तुम, धिक्कार है तुम्हें सुरुचि, धिक्कार है तुम्हें। अग्निदेव, अग्निदेव कहाँ हैं आप? अग्निदेव, अग्निदेव शीघ्र आइए। मेरी योग्य सेवा देवेंद्र। रक्षिता का अभियान विफल हो गया, उस ढीठ बालक ध्रुव ने मंत्र का जाप नहीं बंद किया, उसकी तपस्या में कोई विघ्न नहीं आया। तो फिर अब आप क्या चाहते हैं देवराज? अब आप उस बालक के चारों ओर अग्नि का ऐसा घेरा डाल दीजिए कि वो भयभीत होकर मंत्र ही भूल जाए। जैसे भी हो उसे रोकिए, उसकी तपस्या भंग होनी चाहिए। आप निश्चिंत रहें देवराज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 क्या हो रहा है ये सब? बड़े बड़े शक्तिशाली बलवान दैत्य मेरी शक्ति का लोहा मान गए, बड़े बड़े दानव मुझसे टकराकर चूर चूर हो गए, पर ये छोटा सा बालक किसी के वश में नहीं आ रहा। आप तो बड़े प्रतापी हैं अग्निदेव, आप भी उस नन्हे बालक से हार कर चले आए। क्षमा करे देवराज, परंतु वह नन्हा सा बालक भगवान विष्णु के द्वादशाक्षर मंत्र का जाप कर रहा है। जाप कर रहा है तो क्या? आप तो जानते हैं देवराज, जो भी मन से भगवान विष्णु के द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करे उसके शरीर में दैवी शक्ति उत्पन्न हो जाती है, और इस समय ध्रुव के शरीर में मुझसे भी अधिक ताप है। मेरी लपटें उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो उसके और निकट क्यों नहीं गए? उसके सर्वथा निकट जाकर उसे भयभीत करना चाहिए था। असंभव था देवराज, यदि मैं उसके निकट जाता तो स्वयं भस्म हो जाता, और इस समय उसमें जो शक्ति है उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। नारायण नारायण, आपने सत्य कहा अग्निदेव, ध्रुव के शरीर में जो शक्ति आ गई है उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि उस शक्ति का नाम भक्ति है। अग्नि, जल, आंधी, झंझा, बाढ़, ऐसी कोई भी विपदा ध्रुव को डिगा नहीं सकती। एक बात कहूं देवराज,
कहिए देवर्षि। बात क्या, एक छोटा सा परामर्श है आपके लिए। तो प्रदान कीजिए। अग्निदेव ध्रुव के पास जो ज्वाला चक्र छोड़ आए हैं वह ध्रुव का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हाँ वन के निर्दोष पशुओं को अवश्य क्षति पहुंचा सकता है। इसलिए यदि आप उचित समझें तो अपने इस क्रोध की अग्नि को शांत कर लें। आप ठीक कह रहे हैं देवर्षि। अग्निदेव, हमारी चिंता का विषय तो वह बालक ध्रुव है, जंगल के वे निर्दोष प्राणी नहीं। कृपया आप शीघ्र जाइए और जंगल में लगी ज्वाला को शांत कर दीजिए। जो आ गया देवराज। नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 प्रणाम राजगुरु। प्रणाम। क्या बात है, आप लोगों के मुख देखकर तो ये लग रहा है कि अवश्य कोई अशुभ समाचार है। हाँ राजगुरु, ऐसा लगता है कि स्थिति नियंत्रण के बाहर हो ही जा रही है। क्यों? समस्त राज्य में असंतोष फैला हुआ है। असंतोष? पर क्यों? प्रजा पर तो कोई अत्याचार नहीं हुआ है? प्रजा में ये भावना फैल गई है कि राजकुमार ध्रुव के जाने का कारण महारानी सुरुचि है और उनके विरुद्ध बहुत क्रोध फैला हुआ है। यदि प्रजा का ये क्रोध राजभवन की ओर मुड़ गया तो अराजकता फैल जाएगी। केवल आप ही महाराज को ये परामर्श दे सकते हैं कि वे प्रजा की भावना को शांत करने के लिए कोई उपाय करें। नहीं महाराज, इस स्थिति में नहीं कि वो कोई परामर्श दे सकें या ले सकें। पुत्र वियोग ने उन्हें निथाल कर रखा है, उन्हें तो ये सूचना देना भी उचित नहीं कि राज्य में असंतोष फैल रहा है। परंतु अब क्या किया जाए राजगुरु? कहने को तो देश राजा का ही होता है, उस पर राज्य करना, उसे संभालना राजा का कर्तव्य भी है और अधिकार भी। परंतु इन कार्यों को संपूर्ण करने में राजा जिन लोगों की सहायता लेता है वह भी उत्तरदायी होते हैं। रात्रि का अंधकार दूर करने का उत्तरदायित्व केवल चंद्रमा पर नहीं, उन तारों पर भी है जो चंद्रमा की चारों ओर चमकते हैं। यदि प्रजा में असंतोष फैला है तो उसे दूर करने का उत्तरदायित्व मुझ पर और आप पर भी है। आप प्रजा को समझाइए कि राजकुमार ध्रुव जिस अभियान पर निकले हैं, भगवान से विनती करें कि वो अभियान पूरा हो। ध्रुव का अभियान पूरा हो गया तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। जाइए और प्रजा को समझाइए कि राजभवन में बिखरे दुख को अपनी भावनाओं से और बढ़ावा न दे और ध्रुव की रक्षा और इच्छा पूर्ति की प्रार्थना करें। जो आज्ञा राजगुरु।
महाराज, राज्यसभा का समय हो गया है, आप यहां क्या कर रहे हैं? संसार के दुखों से पीड़ित होकर भगवान के चरणों में शरण ढूंढ रहा हूं राजगुरु। क्षमा कीजिए महाराज, आप भगवान के चरणों में शरण नहीं ढूंढ रहे हैं, आप तो जीवन के कड़वे सत्य से घबराकर पलायन का मार्ग खोज रहे हैं, वास्तविकता से दूर भाग रहे हैं। ये सच है राजगुरु, परंतु जिस चुवारे ने एक ही दाव में अपना सब कुछ हार दिया हो वो और कर भी क्या सकता है? जीवन युद्ध कीड़ा नहीं है महाराज, ईश्वर ने मानव को जीवन कर्म क्षेत्र के रूप में दिया है, आप इसे कर्म भूमि से पलायन की शरण स्थली बना रहे हैं। मैं हार चुका हूं राजगुरु, मैं हार चुका हूं, मैं इस कर्म क्षेत्र में जीवन का एक महायुद्ध हार चुका हूं। महाराज, किसी राजा का युद्ध हार जाना बड़ी बात नहीं है, पर किसी राजा का साहस हार जाना एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। राजा का साहस व्यक्तिगत विषय नहीं होता, उस साहस के साथ प्रजा की आशाएं और उमंगें जुड़ी होती हैं, उस साहस के साथ प्रजा का भविष्य जुड़ा हुआ होता है। तो फिर मैं क्या करूं राजगुरु, मैं क्या करूं? उठिए और प्रजा के कल्याण की योजनाएं बनाइए। जो अपने परिवार का कल्याण ना कर सका वो प्रजा का कल्याण क्या करेगा राजगुरु? यही तो आपकी भूल है महाराज, आपने केवल राजभवन की चार दीवारी के भीतर रहने वालों को अपना परिवार समझ लिया है, पर वो प्रजा जो आपकी जय जयकार करती है, वो सैनिक जो आपके एक संकेत पर अपने प्राण नौछावर करने उठ खड़े होते हैं, क्या वो आपका परिवार नहीं है? राजा का वास्तविक परिवार तो उसकी प्रजा है, प्रजा के दुख पर दृष्टि डालिए, आप अपने दुख भूल जाएंगे। यदि कोई वृक्ष फल न दे सके तो उसकी महत्ता में कुछ कमी आ सकती है, पर यदि कोई वृक्ष छांव ही न दे सके तो उस वृक्ष का महत्व ही नहीं रहता। राजा वो वृक्ष होता है जिसके तले प्रजा को सुख और न्याय की छांव मिलती है। अपनी प्रजा को इस छांव से वंचित न कीजिए महाराज, उठिए अपना उत्तरदायित्व तो निभाने की सोचिए। मैं प्रयत्न करूंगा राजगुरु, मैं प्रयत्न करूंगा। प्रयत्न नहीं महाराज, साहस कीजिए। महाराज, यदि आपको मेरा परामर्श स्वीकार नहीं है, यदि आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है, तो मुझे कहने दीजिए कि मैं आपके और राज्यसभा के योग्य नहीं हूं, यहां मेरे लिए कोई स्थान नहीं है। ठहरिए राजगुरु, ठहरिए। राजगुरु, मैं जीवन में बहुत कुछ खो चुका हूं, यदि आप जैसा महापुरुष और मार्गदर्शक भी मैंने खो दिया तो मैं बिल्कुल कंगाल हो जाऊंगा। आपने मुझे सत्य का मार्ग दिखा दिया है, मैं आपका आभारी हूं। स्वामी, हे कमलनयन, जब त्रिलोक में उजाला फैलता है, जब धरती पर वसंत झूमता है, जब कमल खिलते हैं
जब पुष्प अपनी सुगंध फैलाते हैं, मैं समझ जाती हूँ कि आप मुस्काए हैं। ये सारे दृश्य आपकी मुस्कान की ही छवि हैं। विधाता ने मुस्कान की रचना ही इसलिए की कि वो आपके अधरों की शोभा बढ़ाए। पर अभी अभी मैंने आपके अधरों पर जो मुस्कान देखी, उसमें एक विचित्र ज्योति, एक अद्भुत प्रकाश दिखाई दिया मुझे, जैसे आपके अधरों से मुस्कान नहीं किरण फूट रही हो। कोई मुझे आनंद विभोर कर रहा है देवी। अवश्य ही सृष्टि के किसी भाग में भक्ति के प्रकाश का उदय हो रहा है। मुझे एक विचित्र आनंद का अनुभव हो रहा है। हो न हो, ये मेरे ध्रुव की भक्ति का ही चमत्कार है। उसके रोम रोम में केवल आप ही बसे हैं सर्वेश्वर। उसके हृदय में झांक कर देखे तो केवल आपकी छवि ही दिखाई पड़ेगी। वत्स, मैं यही हूँ तुम्हारे निकट। क्या बात है? मुझे अभी अभी लगा जैसे भगवान विष्णु मेरे मन में आ गए हैं। मुझे लग रहा है जैसे भगवान विष्णु मेरे अंदर विराजमान हैं। अहो भाग्य, तब तो चमत्कार हो गया पुत्र। तुम्हारी तपस्या ने भगवान विष्णु का मन जीत लिया। मुझे तुम पर गर्व है। तुम धन्य हो पुत्र। तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम मेरे शिष्य होने के अधिकारी थे। पर वे मेरे सामने क्यों ले आए? उससे क्या अंतर पड़ता है पुत्र? जिसके मन में भगवान विष्णु रम गए हों, उसे और क्या चाहिए? उसका तो जन्म सफल हो गया। तो मेरी बात मानो, मंत्र के जाप को विराम दो, अन्न जल ग्रहण करो और अपने राजमहल लौटने की तैयारी करो। नहीं गुरुदेव, ना मैं मंत्र का जाप छोड़ूंगा, ना कुछ खाऊंगा, ना कुछ पीऊंगा, ना घर जाऊंगा। क्यों? अब और क्या पाने को शेष रह गया है? अभी तो भगवान विष्णु केवल मेरे मन में आए हैं। तो फिर और क्या चाहिए तुम्हें? मैं चाहता हूँ कि भगवान विष्णु मेरे सामने आए। मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। किंतु क्यों? मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, उनसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तुम्हारी मांगे तो बढ़ती जा रही है पुत्र, और जैसे जैसे तुम्हारी मांगे बढ़ रही है, वैसे वैसे मेरी चिंता बढ़ती जा रही है। क्या पूछना चाहते हो तुम? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि मुझे मेरे पिताश्री के गोद से क्यों उतारा गया? मुझ पर अन्याय होता देखकर मेरे पिताश्री क्यों चुप रहे? संसार में ऐसा अन्याय क्यों होता है? ये भगवान को मेरे सामने आना ही होगा, नहीं तो मैं यूं ही भूखा प्यासा रहूंगा। सुनो पुत्र, तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें इतना कुछ मिल गया। भगवान विष्णु को प्रसन्न करके उनका मन जीतने वाले तुम पहले सबसे छोटी आयु के बालक हो। अब और हठ ना करो। भगवान विष्णु तुम्हारे मन में रम गए हैं तो समझो तुमको मिल ही गए। नहीं गुरुदेव, मैं उनको अपने सामने लाकर ही रहूंगा। उसके लिए जो करना पड़ेगा पुत्र, वो तुमसे नहीं होगा। आप बताइए तो सही, मैं अपने भगवान को देखने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। परंतु उससे तुम्हारे प्राणों पर भी संकट आ सकता है पुत्र। मुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं है, मुझे तो बस भगवान विष्णु को देखना है। आप बताइए मुझे क्या करना होगा। नारायण नारायण, न जाने कैसे हठी बालक से पाला पड़ा है।
अब इसके बाल हट का मैं क्या करूं? मुझे बताइए ना मुझे क्या करना है। नहीं पुत्र, तुम नहीं कर पाओगे, बहुत कठिन कार्य है। मैं कर लूंगा, आप बताइए तो सही। अच्छा तो सुनो, यदि तुम अपनी इच्छा की पूर्ति चाहते हो तो तुम्हें अपनी श्वास को रोकना होगा। कैसे? सुनो पुत्र, एक बार ओम का उच्चारण करके पूरी शक्ति से अपनी श्वास को अंदर खींचकर मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का तब तक जाप करो जब तक स्वयं भगवान विष्णु तुम्हारे नेत्रों के सम्मुख साक्षात न आ खड़े हों। क्या बात है गंधर्वराज चित्ररथ? धरती पर हाहाकार मचा हुआ है देवराज। धरती पर समय की गति रुकी जा रही है प्रभु। बालक ध्रुव यदि यूं ही श्वास रोके रहा तो प्रलय आ जाएगी देवराज। कुछ कीजिए देवराज, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। नहीं, इसका कुप्रभाव रोकना मेरे वश की बात नहीं है देवगण। हमें ब्रह्मा जी के पास चलना चाहिए, अब वही इसका कोई उपाय बता सकते हैं। हे ब्रह्मदेव, कोई उपाय कीजिए, नहीं तो बालक ध्रुव के कारण अनर्थ हो जाएगा। उसने श्वास रोककर संसार की सारी गतिविधि ही रोक दी। यह स्थिति थोड़ी देर और रही तो संपूर्ण जगत का सर्वनाश हो जाएगा। जगत की रक्षा कीजिए भाग्य विधाता। मैं क्या कर सकता हूं देवराज, मैं अपनी सीमा लांघकर तो नहीं जा सकता। मैंने जगत की रचना कर दी, यही मेरी सीमा थी। जगत की रक्षा तो केवल वही विश्वाधार पद्मनाभ लक्ष्मीपति करुणा सागर भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। और फिर ध्रुव मेरा नाम तो नहीं जप रहा है कि मैं उसे शांत कर दूं। वो तो भगवान विष्णु के मंत्र का जाप कर रहा है। इस समस्या का संबंध उन्हीं से है और समाधान भी केवल वही कर सकते हैं। हमें मिलकर उनकी सेवा में चलना होगा। संसार को इस संकट से वही उबार सकते हैं। त्राहिमाम 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 प्रणाम हे नारायण। हे लक्ष्मीपति, हे गोविंद, हे सर्वेश्वर, आपको कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। हे त्रैलोकीनाथ, सृष्टि की रक्षा कीजिए, नहीं तो आपकी सृष्टि को प्रलय आने से पहले ही एक महाप्रलय नष्ट कर देगी। ध्रुव ने जब से श्वास रोककर द्वादशाक्षर मंत्र का जाप आरंभ किया है, सारे संसार में वायु की गति रुक गई है, प्राणियों के दम घुट रहे हैं। प्रभु, ध्रुव को रोकना
मेरे वश में नहीं है भगवान, ये कार्य केवल आप ही कर सकते हैं। आप सृष्टि के रक्षक हैं, उसके पालनहार हैं। हम सब विनती करते हैं, आप ही ध्रुव की समस्या का कोई उपाय कीजिए प्रभु। समस्या बहुत गंभीर हो गई है। अब बात केवल एक बालक तक सीमित नहीं रही ब्रह्मा जी, सारी सृष्टि के समक्ष एक संकट खड़ा हो गया है। अब तो हमें जाना ही होगा अपनी सृष्टि की रक्षा के लिए, और फिर किसी और की भांति हमें भी तो ध्रुव के प्राणों की चिंता है। वासुदेव, वासुदेव, आप कहाँ चले गए वासुदेव? ध्रुव हो गया ऐसा भक्त महान, शक्ति दिखाई भक्ति ने, प्रगट हुए भगवान। वासुदेव, मैं कहीं नहीं गया वत्स ध्रुव, तुम मुझे अपने सम्मुख देखना चाहते थे ना, तो लो देखो मैं तुम्हारे नेत्रों के सामने उपस्थित हूं। तुम विजयी हुए पुत्र, तुमने मुझे जीत लिया। तुम्हारे जैसा तपस्वी न कभी हुआ है और न कभी होगा। तुमने सिद्ध कर दिया कि जीव ब्रह्म का ही एक अंश है और अपनी साधना से ब्रह्म को भी धरती पर ला सकता है। तुमने ये सिद्ध कर दिया वत्स कि सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति है भक्ति। वत्स ध्रुव, अब श्वास लेना आरंभ कर दो पुत्र, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मुझसे मिलना चाहते थे, मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर दी, अब अपने माता पिता के पास लौट जाओ। नहीं भगवान, नहीं, अभी मैं नहीं जाऊंगा। क्यों वत्स? भी तो मुझे आपसे बहुत सी बातें करनी है, बहुत से प्रश्न पूछने हैं। प्रश्न मुझसे? भला ऐसे कौन से प्रश्न है तुम्हारे मन में? मुझे बताइए प्रभु कि मेरी छोटी माता मुझे अपना पुत्र क्यों नहीं मानती? उन्होंने मेरी माताशी को दासी क्यों कहा? उन्होंने मुझे मेरे पिताश्री के गोद से क्यों उतारा? मेरे पिताश्री ने छोटी माता को रोका क्यों नहीं? बताइए भगवान। अरे 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 अरे, इतने सारे प्रश्न एक साथ। अच्छा ये बताओ कि सबसे पहले तुम किस प्रश्न का उत्तर चाहते हो? मुझे मेरे पिताश्री के गोद से क्यों उतारा गया? अच्छा, तो इस प्रश्न ने तुम्हें सबसे अधिक व्याकुल किया है? हाँ भगवान। मेरे निकट आओ। और निकट आओ वत्स,
आवत्स। मेरी गोद में बैठ जाओ। अब और प्रश्न पूछने हैं मुझसे? कुछ नहीं पूछना प्रभु, अब कुछ नहीं पूछना। अब तो मुझे हर प्रश्न का उत्तर मिल गया है। मेरे चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैला हुआ है। मैं वहाँ हूँ जहाँ केवल मैं हूँ और आप हैं। अच्छा वासुदेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अब ना कोई कामना है ना कोई इच्छा। आपकी गोद में आकर लगता है इसके सिवा हर वस्तु तुच्छ है। अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे मेरा ठिकाना मिल गया, मेरा घर मिल गया। नहीं वत्स, मेरी गोद तुम्हारा ठिकाना नहीं, तुम्हारा घर नहीं। तुम्हारा घर तो वो कर्म भूमि है जिसका नाम है जीवन, संसार। भक्ति से तुमने मेरा मन जीत लिया, अब कर्म के माध्यम से तुम्हें परिवार का मन जीतना है। अपने परिवार की सेवा करके एक पुत्र धर्म को निभाना है। अपनी प्रजा को न्याय पर आधारित शासन देना है तुम्हें, कि फिर किसी बालक को अपने पिता की गोद से उतारा न जाए, मेरी खोज में यूं भटकना न पड़े। वत्स, जब तुम ये समस्त धर्म निभा लोगे ना, तो तुम्हें वो स्थान प्राप्त होगा जो संसार के रहते तुम्हारा नाम जीवित रखेगा। मैं तुम्हें वरदान देता हूं वत्स, कि मानव धर्म का निष्ठापूर्वक पालन करने के उपरांत तुम्हें नक्षत्र लोक में वो स्थान प्राप्त होगा जो तुम्हारे ही नाम से जाना जाएगा। इस धरती के वासी उसे ध्रुव लोक कहकर पुकारेंगे, जहां तुम सदा जगमगाते रहोगे। यही तुम्हारे कर्म का फल होगा वत्स। वासुदेव, मुझे बताइए कि कर्म क्या है? कर्म पूजा है वत्स, कर्म यज्ञ है, कर्म जीवन है, जीवन का आदर्श है। और जीवन क्या है देव? जीवन, जीवन एक सौभाग्य है पुत्र, एक वरदान है, मेरा दिया हुआ प्रसाद है, एक अवसर है, संसार की सेवा करने का अवसर, परिवार की सेवा करने का अवसर। परिवार क्या है प्रभु? मुझे इसका ज्ञान दीजिए। परिवार वो है वत्स जो जीने का उद्देश्य देता है, मानव को यह बताता है कि संसार में क्यों जिया जाए, किसके लिए जिया जाए। और संसार क्या है भगवान? संसार संसार एक बड़ा परिवार है पुत्र, परिवार का विशाल रूप है, मेरी श्रेष्ठ रचना है, वसुधैव कुटुंबकम। ये सारी वसुधा, ये सारी धरती एक ही कुटुंब है, एक ही परिवार है वत्स, और यही मेरा मंत्र भी है। ये सारा संसार मेरी ही संतान है। संसार की सेवा करना अर्थात मेरी सेवा करना, संसार के भले के लिए जीना, ये एक सर्वोत्तम आदर्श है वत्स। ध्रुव, परंतु संसार के भले के लिए मर जाना, ये वो महान कार्य है जो प्राणी को मरकर भी अमर बना देता है।
वत्स, जीवन की कर्म भूमि तुम्हें पुकार रही है। वत्स, तुम्हारा परिवार तुम्हारी राह देख रहा है। जब तुम अपने परिवार का कल्याण करोगे तभी समाज का कल्याण होगा, और जब समाज का कल्याण होगा तभी सारे संसार का कल्याण होगा। वत्स, यही विधि का विधान है। जाओ वत्स, अपने कर्म की ओर बढ़ो, जीवन में उतरो, संसार में प्रवेश करो, यशस्वी भव। यशस्वी भव। प्रणाम वासुदेव, आपने मुझे धर्म, कर्म, जीवन, मृत्यु सबके अर्थ बता दिए। आपको कोटि कोटि प्रणाम। आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान भव। इन्हें तो तुम पहचानते ही हो पुत्र, इनसे तुम कई बार मिल चुके हो। ये विष्णु प्रिया हैं, तुम्हारी माता लक्ष्मी। क्या ये माता, हम आपसे नहीं बोलते। क्यों पुत्र? आप चाहती तो मुझे बहुत पहले भगवान विष्णु की गोद में बिठा देती। बिठा देती तो आपका क्या बिगड़ जाता? मेरा कुछ नहीं बिगड़ता पुत्र, पर मैं माता हूँ और तुम मेरे पुत्र। हर माता यही चाहती है कि उसका पुत्र महान बने। यदि मैं तुम्हें भगवान विष्णु की गोद में बिठा देती तो तुम वो ना बन पाते जो आज हो। अब तुम एक महान भक्त बन चुके हो। मैं तुम्हारी सहायता करती तो मैं महान कहलाती, तुम्हारी महानता छिप कर रह जाती। मेरे स्वामी का तो यही संकल्प है कि हर मानव का कल्याण हो। मैं भी उन्हीं का संकल्प पूरा कर रही थी। आप महान है माता, मैं समझ गया कि आपने क्या किया और क्यों किया। मैं आपके चरणों में शीश नवाता हूँ। मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा। प्रणाम। नारायण नारायण। गुरुदेव, देखिए देखिए क्या चमत्कार हो गया। यह भगवान विष्णु है और लक्ष्मी माता, ये सब मुझसे मिलने आए हैं। ये सब आप ही के कारण हुआ, आप ही की कृपा से हुआ। आप महान है गुरुदेव। नहीं पुत्र, तुम महान हो। तुमने अपनी भक्ति से ब्रह्मा का लेख बदल दिया। नहीं गुरुदेव, आपसा मार्गदर्शक मुझे न मिलता तो ये सब कैसे होता। ध्रुव ठीक कह रहा है देवर्षि, गुरु तो भगवान से भी बड़ा होता है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यशस्वी भव पुत्र। प्रभु, यदि आपकी और माता की अनुमति हो तो मैं वत्स ध्रुव को महाराज उत्तानपाद की राजधानी पहुंचा दूं। नहीं देवर्षि, आप अकेले नहीं जाएंगे। ध्रुव को विदा करने हम सब साथ मिलकर जाएंगे। आइए माते। क्या बात है स्वामी, आप यहाँ एकांत में क्या कर रहे हैं? एकांत?
एकांत के सिवा मेरे जीवन में राय क्या है? महारानी सुनीति, लोग तो कहते हैं कि एकांत में मन को शांति मिलती है, पर यह एकांत बड़ा निष्ठुर है। मेरा एकांत अपने साथ पुत्र ध्रुव की मधुर स्मृतियों की भीड़ लाता है। इस एकांत का मौन बड़ा ही निर्दयी है। ये चिल्ला चिल्ला कर मुझसे प्रश्न पूछता है, जिनके उत्तर मेरे पास नहीं। ये पूछता है कि पुत्र ध्रुव क्यों चला गया, कहां चला गया। इस एकांत का हर जाता हुआ पल मुझ पर दोष लगाकर जाता है कि मैंने अपने ही हाथों से अपने संसार में आग लगाई थी, और हर आता हुआ पल यह संदेश लेकर आता है कि यह एकांत ही मेरा दंड है। पुत्र ध्रुव के बिना मेरा जीवन अभिशाप बन गया है, और यह अभिशाप मुझे जीवन भर भोगना है, जीवन भर भोगना है। आयुष्मान भव पुत्र, धन्यवाद देने आया हूं। धन्यवाद मुझे? मैंने ऐसा कौन सा शुभ कार्य किया है कि तुम मुझे धन्यवाद देने आए हो? आपने जो मुझ पर उपकार किया। उपकार नहीं किया पुत्र, मैंने तुम पर अत्याचार किया है, अत्याचार किया है मैंने तुम पर। नहीं माते, आपने तो मुझ पर इतना बड़ा उपकार किया है कि मैं 100 जन्म आपकी सेवा करूं तब भी उसे चुका ना पाऊंगा। मत कहो मुझे माते, मत कहो, मैं इस पवित्र शब्द की योग्य नहीं हूँ। माता वो होती है जो अपने आंचल से संतान को सुख की छाव देती है, जिसका मन प्यार का भंडार होता है। मैंने तो तुमसे केवल घृणा की है, तुम्हें केवल दुख दिया है। मैं घृणा की पात्र हूँ, घृणा की पात्र हूँ। महारानी सुनीति से मुझे ईर्ष्या थी, उसका बदला मैंने तुमसे लिया पुत्र। मैंने ही तुम्हें महाराज की गोद से उतारा, मैंने ही तुम्हें वन में भटकने पर विवश कर दिया, मैंने ही एक नन्हे से बालक को यातना झेलने पर विवश कर दिया। मैं माता नहीं, कुमाता हूँ।
कुमाता हूँ। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, पर माता कुमाता हो ही नहीं सकती। वो तो देवी के सम्मान होती है, पवित्र और पूजा के योग्य। आप भी मेरे लिए पूजा के योग्य है, भूल गए आप? आपने तो मुझे भगवान विष्णु का नाम बताया था। आपने तो कहा था कि मैं भगवान विष्णु को पाने के लिए तपस्या करूं। सच पूछे तो आप ही के कारण मुझे भगवान विष्णु के दर्शन हुए। हे भगवान, जिस बालक के प्रति मैंने इतने अन्याय किए, वही आज मुझे अपनी महानता का कारण समझ रहा है। तुम महान हो पुत्र, तुम महान। क्या कर रही है माते? मुझे अपने चरण छू लेने दो पुत्र, कदाचित मेरे पापों का बोझ कुछ कम हो जाए। जिस दिन माता को पुत्र के चरण छूने पड़े, उसी दिन का नाम महाप्रलय होगा। मुझे अपने गले लगा लीजिए माते, मैं धन्य हो जाऊंगा। पुत्र, मेरा पुत्र ध्रुव। मेरा पुत्र ध्रुव। ये सब भाग्य का खेल है स्वामी। नहीं, ये कहकर मैं स्वयं को धोखा नहीं दे सकता। इन तर्कों से मेरे मन को शांति नहीं मिलती। यदि आज मैं पुत्र ध्रुव का मुख देखने को तरस रहा हूं, तो ये भाग्य का खेल नहीं, मेरे कर्मों का दुष्परिणाम है। जो कुछ भी हुआ, मेरे ही तो कारण हुआ। मुझे तो लज्जा आती है अपने आप से, अपने इस जीवन से। ऐसा मत कहिए स्वामी, ऐसा मत कहिए। माना आज हमारा जीवन अंधेरी रात्रि है, किंतु रात्रि कोई भी हो, किसी ना किसी ढंग से अवश्य ढल जाती है। कब ढलेगी ये रात्रि, कब होगी भोर, क्या सवेरा तब होगा जब नेत्रों की ज्योति मर चुकी होगी, जब प्राणों के दीपक बुझ चुके होंगे। ऐसा नहीं होगा महाराज, दुख के दिन बीत चुके हैं। तुम क्यों आई हो? तुम, तुम्हें देखते ही मुझे सब अशुभ घटनाएं याद आ जाती हैं। ये सत्य है महाराज, मैंने आज तक जो भी किया अशुभ ही किया। मैंने कभी आपको कोई शुभ समाचार नहीं दिया, किंतु आज, आज मैं आपको शुभ समाचार सुनाने आई हूँ महाराज। तुम और शुभ समाचार? बबूल के वृक्ष पर आम नहीं फलते सुरुचि। महाराज, भगवान विष्णु चाहे तो क्या नहीं हो सकता। ये देखिए। प्रणाम माते, प्रणाम पिताश्री। ध्रुव, मेरे लाल। ध्रुव, 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 कहाँ चला गया था तू? कहाँ चला गया था? ध्रुव, ध्रुव मेरे पुत्र। आपका लाल महान बन चुका है महारानी, इसे भगवान विष्णु स्वयं दर्शन दे चुके हैं। मेरे छोटे से भगवान, मुझे क्षमा कर दो। किंतु आपको भी किसी को क्षमा कर देना होगा। किसको क्षमा करना होगा? इन्हें, मेरी छोटी माता को। इसे? हाँ, इन्हें। ये न होती तो मुझे भगवान विष्णु के दर्शन कैसे होते? इन्हीं के कारण तो मैं भगवान विष्णु की खोज में निकला था। आओ माते। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। क्या कर रही हो? ध्रुव भैया, ध्रुव भैया। त्याग तपस्या भक्ति से
जीत लिया भगवान।